Good morning, everyone. It's a great event, and I welcome you all on behalf of CareerPoint. Welcome to CP Live. सभी students और साथ में उनके parents भी अगर यहाँ हैं तो मैं सभी का welcome करता हूँ CareerPoint के इस live seminar में. Dear students, this session is going to be excellent. और आज Mr. Pramod Maheshwari आपको ये बताने जा रहे हैं कि how to prepare for JE and NEET examinations. थोड़ा सा मैं session शुरू करने से पहले प्रमोद सर के बारे में आपको बता दूं. Mr. Pramod Maheshwari graduated from IIT Delhi in 1993 और 1993 में ग्रेजुएशन के बाद उन्होंने करियर पॉइंट की शुरुआत करी और कोटा कोचिंग सिस्टम की नींव रखी. आज जिस रूप में कोटा कोचिंग सिस्टम हम देखते हैं वो उन्हीं के एफर्ट्स का रिजल्ट है और कंटिन्यूअस इनोवेशंस और लर्निंग मेथड्स के साथ वो सिस्टम को और आगे बढ़ाते आ रहे हैं. आज की सिचुएशन में जहाँ आप सब लोग अपने घरों पर हैं बट यू ऑल आर द एस्पिरेंट्स ऑफ नीट एंड जेई, तो आपको कोटा कोचिंग सिस्टम का वही रूप वहां मिल सके इसीलिए ये सेशन शुरू किया गया है और सीपी लाइव जो एफर्ट्स डाल रहा है उससे ये कोटा कोचिंग सिस्टम आपको आपके घरों तक मिल रहा है. प्रमोद सर बहुत बड़े मोटिवेटर हैं, फिजिक्स गुरु हैं एंड ही इज एन एक्सेलेंट एजुकेशनिस्ट. तो मैं अब और आगे ज्यादा टाइम ना लेते हुए ये सेशन प्रमोद सर को हैंड ओवर करूंगा. I request Pramod sir to please start the session and I educate the students for the this important subject. Thank you very much. Let's join. और सभी students को एक बात मैं और बता दूं कि session के last में हमने question answer round भी रखा है but since there are large number of participants तो आपसे मैं request करूंगा कि आप अपने questions को chat box में type करें. आपके questions हम immediately Pramod sir को transfer करेंगे और वो आपके questions का answer करेंगे. Thank you very much. Let's begin. Welcome to Pramod sir. Namaskar India. मैं इंडिया से बोल रहा हूँ कि आप different part of country से आज कोटा में आ गए और वो भी बिना ट्रेन के, बिना फ्लाइट के, बिना किसी कार के, बिना किसी गाड़ी के. और टेक्नोलॉजी ने ये जो आपके साथ और हमारे साथ जो ये कि जुड़ाव बनाया है ये अमेजिंग है, ये माइंड ब्लोइंग है. मैं बोलता हूँ ये एक तरह से ऐसी घटना है जो इमेजिनेशन के बाहर है. हालांकि ये घटना बड़े दुखद कारणों की वजह से हुई है परंतु जैसे कहते हैं ना हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा होता है. तो अच्छा यह है कि आज आप आपके घर के कंफर्ट में बैठे हुए, अपने माँ बाप के साए में बैठे हुए, अपने कंफर्ट से वो क्वालिटी, वो इंटरेक्शन और वो बात हमसे पा रहे जो कि आपको पाने के लिए इतनी नन्ही उम्र में 15 साल 16 साल 17 साल की उम्र में अपने घर को छोड़कर कोटा या कहीं जहां भी आप कोचिंग करने जाना चाहते हैं वहां जाना पड़ता और अकेले 10x10 के कमरे में रहना पड़ता. एक अलग तरह का चैलेंज, अलग तरह की दुनिया में आप प्रवेश कर जाते क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन बहुत ज्यादा स्ट्रेनियस होते हैं, काफी इनमें तनाव होता है और उस तनाव का जो सबसे बढ़िया इलाज है दुनिया में वो है माँ बाप का आशीर्वाद, उनका प्यार, उनका सपोर्ट, उनका इमोशनल सपोर्ट और वो आपको कोटा में मिल रहा है और ये सब कुछ हो रहा है टेक्नोलॉजी के माध्यम से. और टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में मेरी तो पर्सनल हमेशा इच्छा बहुत रही है कि किसी ना किसी तरीके से टेक्नोलॉजी को यूज करा जाए क्योंकि टेक्नोलॉजी आपको इतना ज्यादा एम्पावर्ड कर देती है, इतनी ज्यादा पावर आप में दे देती है कि जिसको आप सोच नहीं सकते. और आपकी जो एफिशिएंसी है, आपका जो काम करने का तरीका है, जो आपका आउटपुट है उसको मल्टीफोल्ड बढ़ा देती है. अगर आप टेक्नोलॉजी यूज नहीं करते हैं या नहीं करेंगे तो आने वाले समय में आपके लिए ये बड़ा तकलीफदायक समय हो सकता है क्योंकि जिस तरीके से पोस्ट कोविड-19 दुनिया में परिवर्तन होगा और जिस तरह का मैं पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, समझ रहा हूँ, मैं पूरी दुनिया में अक्रॉस ग्लोब में जुड़ा हुआ हूँ. मेरे दोस्त पूरी दुनिया में जगह जगह पर रहते हैं. मैं 30 साल से लगभग 27 साल से तो मैं एजुकेशन और एजुकेशन से रिलेटेड काम करता हूँ और वो काम सिर्फ मैं कोचिंग का, स्कूल का, हायर एजुकेशन का, सबका करता हूँ. और मैं ये सब देखकर मुझे साफ साफ समझ में आ रहा है कि दुनिया बदलने वाली है और मुझे खुशी की बात है कि आप अपने आप को बदलने में सक्षम है क्योंकि आप लोगों ने सीपी लाइव के कोर्सेज को लिया हुआ है. आप रेगुलर वहां पे पढ़ते हैं या लेने की इच्छा रखते हैं और सबसे बड़ी बात है संडे के दिन जो मस्ती का दिन होता है उस दिन आप हजारों संख्या में यहाँ पर आप आकर हमें सुनने के लिए तत्पर है. यही भी रिफ्लेक्ट करता है कि आपकी जो पर्सनल जो जिसे बोलते हैं झील है, जो आपकी इच्छा है वो बहुत ज्यादा है टू लर्न थिंग्स, टू अंडरस्टैंड थिंग्स. मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा. आज का जो मेरा सेशन है वो एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से आपको दूंगा. मैं चाहूंगा कि आपको जो सेशन के दौरान कोई डाउट है तो आप इसमें जरूर टाइप करें और जो टाइप करेंगे उसके हिसाब से आपको जो सिलेक्टेड क्वेश्चन होंगे शैलेंद्र उनको बाद में सेशन में
आपके साथ डिस्कस करके हम उनका जवाब देंगे। मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन लेता हूँ और प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको लेके चलता हूँ और उसके लिए मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करता हूँ आपसे। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि हम जो आईटी और मेडिकल की तैयारी करने की इच्छा रखते हैं, तो आज के जो पॉइंट हमारा उसमें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे उसको लेके शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आज का एजेंडा हमारा रहेगा कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर जेईई एंड नीट, दैट इज द कोर क्वेश्चन दैट एवरीबॉडी इज हैविंग इन हिज माइंड। फिर देन फीचर्स ऑफ सीपी लाइफ एंड हाउ टू टेक द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ दीज फीचर्स व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। देन हाउ टू स्टडी एट होम फॉर द मैक्सिमम आउटपुट, क्योंकि अभी आप घर पे पढ़ रहे हैं तो आपका आउटपुट मैक्सिमम किस तरह सा है, मैं उसके बारे में आपसे बात करूंगा। और फिर बाद ही बाद में आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर्स दूंगा, एक क्वेश्चन आंसर सेशन आपके साथ रखेंगे। ये सेशन काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। हम जो भी बच्चा कोटा में कोचिंग करने हमारे पास आता है, 7 दिन करीब की कोचिंग होने के बाद हम एक सेशन उन लोगों के लिए रखते हैं और उसमें ये सारे पॉइंट्स टच कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो सीपी लाइव का जो हमने आपके लिए एक सिस्टम बनाया है, वो सीपी लाइव में जो भी कोटा कोचिंग का मेथड है वो सब कुछ हमने लिया है। मैं लगभग 10 सालों से टेक्नोलॉजी के साथ कोचिंग को सीधे लोगों के घरों तक पहुंचाने के लिए काम कर रहा हूं और मुझे लगता है कि जो सीपी लाइव का मॉडल हमने बनाया है दैट इज एब्सोल्युटली फैंटास्टिक मॉडल, कंप्लीटली रिप्लिका ऑफ कोचिंग सिस्टम ऑफ कोटा और एनीवेयर एल्स, और आप अपने घर पे रह सकते हो। चलिए उसके बारे में बाद में बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईटी जेईई एंड नीट एग्जामिनेशन। सी, सबसे पहले कभी भी कोई भी एग्जाम की तैयारी करी जाती है ये एक तरह का युद्ध है, आप कोई युद्ध लड़ने जा रहे हैं और युद्ध में लड़ने के लिए सबसे पहले आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो आपके सामने आपका कॉम्पिटिटर है जिससे आप युद्ध लड़ने जा रहे हैं उसकी क्या स्ट्रेंथ और क्या वीकनेसेस है, उसकी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के हिसाब से आपको अपने आप को तैयार करना पड़ता है। बहुत से बच्चे 10th से सीधे 11th में आते हैं या 11th से 12th में जाते हैं या और बच्चे होते हैं, वो बच्चे बिना एग्जाम को समझे उसकी तैयारी करने के लिए जुट जाते हैं, वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, दे पुट देयर लेवल बेस्ट एफर्ट्स, परंतु क्योंकि एग्जाम को वो समझ नहीं पाते तो उनकी तैयारी तो बहुत होती है, मतलब समय तो बहुत लगाते हैं, परंतु उनको एग्जाम में उतनी सक्सेस नहीं मिलती या सक्सेस नहीं मिलती क्योंकि वो जो रिक्वायरमेंट एग्जाम की उसको नहीं समझ पाते। तो सबसे पहले एक बात को समझिए कि नीट और जेई के एग्जाम आपके बोर्ड के एग्जाम की तरह के एग्जाम नहीं है। ये वो एग्जाम नहीं है जहां पर आपसे डेफिनेशंस पूछी जा रही है, जहां पर आपसे बोला जा रहा है कि राइट डाउन द 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चौक कॉइल, कि आपने 5 बातें याद करके लेकर वहां पे जाके आपने छाप दिया तो नंबर आ जाएंगे, या कोई डिस्क्रिप्शन नहीं लिखवाया जा रहा है, यहाँ पे कुछ मेमोरी का कोई बड़ा मैजिक नहीं होने वाला है। यहाँ पर ये एग्जाम बोर्ड एग्जाम से बिल्कुल अलग है, परंतु हम क्लास 1 से लेकर क्लास 10th तक स्कूल एग्जामिनेशन सिस्टम में जिस तरह से पढ़े और जहां पर हमारे 90% 95% आए, जहां पर वो परसेंट आने के बाद हमें घर पे शाबाशी मिली है, यार दोस्तों ने परिवार में हमें बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करा है, उस पढ़ने की टेक्निक को अगर हम लेते हुए नीट और जेई की तैयारी करने लगेंगे तो हम थोड़ा सा ट्रेक से आउट हो जाएंगे। यही कारण है कि बहुत से बच्चे बहुत ज्यादा तैयारी करने के बावजूद भी सेलेक्ट नहीं हो पाते। तो ये होते क्या है, ये एग्जाम थोड़े डिफरेंट होते हैं, ये एग्जाम आपकी कंसेप्ट और फंडामेंटल्स को यूज करने की जो कैपेबिलिटी है उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट योर कैपेबिलिटी टू यूज कंसेप्ट्स इन अ न्यू सिचुएशन, एक नई तरीके की सिचुएशन होती है, न्यूमेरिकल अप्रोच होती है। न्यूमेरिकल क्या होता है, यू हैव टू विजुलाइज, आपको सोचना पड़ता है कि आप क्या करना चाह रहे हैं और उसको फिर इंप्लीमेंट करना पड़ता है, एंड दैट टू अंडर टाइम प्रेशर। अभी आपका बोर्ड का जो पेपर बनाया जाता है अगर उसको 3 घंटे में करना होता है तो बोर्ड के पेपर में पेपर सेटर को ये एडवाइस होती है कि ऐसा पेपर बनाइए जो अच्छा ब्राइट बच्चा 1.5 से 2 घंटे में कर ले और जो स्लो बच्चा है वो 3 घंटे में कर ले, परंतु आईटी या नीट में ऐसे नहीं होता। देयर आर लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चन, यू हैव टू कम सॉल्व दिस क्वेश्चन इन लिमिट टाइम फ्रेम, तो टाइम प्रेशर की वजह से गलती बहुत होती है, मिस्टेक्स होती है, तो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। और फिर ये एग्जाम जो है ये बोर्ड की तरह तो है नहीं कि 60% आ गया तो हम फर्स्ट डिवीजन कहलाएंगे, 75 आ गया तो डिस्टिंक्शन हो जाएगा, 90 आ गया तो बहुत हो जाएगा, ये तो रेस है। इस रेस में सब दौड़ रहे और उन सब दौड़ने में से पहले 1000 बच्चे, 2000 बच्चे, 10000 बच्चे, 15000 बच्चे, जैसे भी एग्जाम का नेचर है, वो बच्चे विनर कहलाएंगे, बाकी सक्सेसफुल नहीं होंगे। उनको बोल दिया जाएगा कि आप सक्सेसफुल नहीं है, आपको इंजीनियरिंग या मेडिकल में एडमिशन नहीं मिल सकता। कहने का मतलब है कि एग्जामिनेशन डिफरेंट है, इनमें 2 बातों का ध्यान रखना पड़ता है। 1, यू नीड टू बिल्ड कैपेबिलिटी टू यूज कंसेप्ट्स टू सोल्व क्वेश्चन अंडर टाइम प्रेशर, दैट इज फर्स्ट कैपेबिलिटी। 2, यू नीड टू बी इन रेस, आपको दौड़ना पड़ता है।
इट्स नॉट लाइक बोर्ड एग्जामिनेशन की इफ यू आर गेटिंग 75% यू आर हैप्पी कि 75% मेरे मार्क्स आ रहे हैं मेरे तो डिस्टिंक्शन आ जाएगा. आपको अपने आप को रोजाना इंप्रूव करना पड़ता है, रोजाना आपको आगे बढ़ना पड़ता है. दूसरों से आगे बढ़ने का तरीका ये नहीं कि आप दूसरों को रोक ले. आप अपने पड़ोस में अपना फ्रेंड रहता है उसको डिस्टर्ब करके उसको पीछे कर सकते हैं. और तो देश तो बहुत बड़ा है ना, देश में तो हर जगह तैयारी चल रही है, हर बच्चा तैयारी कर रहा है, आप उनको बीट नहीं कर सकते हो. इसके लिए आपको डेली अपने आप को इंप्रूव करना पड़ता है. You have to beat your yesterday. You have to do better every day. And that's how the difference in the preparation of NEET and JEE from the board examination. और ये समझना बहुत जरूरी है. अगर आपको सबसे पहले ये बात समझ में आ गई, trust me, आपका पहला पड़ाव बिल्कुल सही चल गया है. हम जो कोटा कोचिंग में बच्चों को समझाते हैं, सिखाते हैं, मैंने अपने 27 साल से, मैं तो आपको बताया शैलेंद्र कि मैं IIT दिल्ली से जब ग्रेजुएट हुआ तो उसके बाद से मैं तो सीधा कोचिंग का ही काम कर रहा हूँ, बच्चों को पढ़ा रहा हूँ. फिजिक्स मैंने पढ़ा है लोगों को और पढ़ाता हूँ. और मेरा तो यही मानना है, और मैंने इतने सक्सेसफुल केसेस देखे और उतने ही मैंने अनसक्सेसफुल केसेस भी देखे, और मैंने उनमें डिफरेंस ये देखा है कि उनको एग्जाम समझ में ही नहीं आया जो अनसक्सेसफुल हो गए जबकि उनमें टैलेंट था. तो सबसे पहले तो आप लोगों को क्या समझना है, आपको समझना है कि एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है. एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है, क्लियर हो गई हमें. एग्जाम की रिक्वायरमेंट है कि हाउ टू यूज कॉन्सेप्ट इन न्यू सिचुएशन अंडर टाइम प्रेशर एंड एवरी डे वी हैव टू बीट अवर यस्टरडे. हमें अपनों को किसी को पड़ोस वाले से कंपटीशन करना नहीं है. हेल्दी कंपटीशन इज ओके, बट हमें उसको बीट करना हमारा गोल नहीं है. हमारा गोल है अपने आप को इंप्रूव करना ताकि हम पूरे देश में सबसे आगे निकले, उन 10,000 में आए जो सेलेक्ट के लाते हैं. तो सबसे पहला काम आपको ये करना है. तो एग्जाम को अगर आपको समझ में आ गया तो फिर एग्जाम को समझने के बाद उसकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी कि भाई चलो हमें पता पड़ गया कि हमें कंसेप्ट यूज करने के लिए काम करना है, तो स्ट्रेटेजी क्या है. तो अब आगे हम देखते हैं कि स्ट्रेटेजी क्या होती है. तो स्ट्रेटेजी में सक्सेस मंत्रा क्या है, स्ट्रेटेजी क्या होती है, सक्सेस मंत्रा, व्हाट इज योर सक्सेस मंत्रा टू गेट सक्सेस. तो सक्सेस मंत्रा है यू शुड गेट राइट गाइडेंस. जैसा अभी कुछ देर पहले मैंने आपको 5 मिनट के अंदर एग्जाम का नेचर बताया, इट इज अ काइंड ऑफ गाइडेंस. समबडी शुड कम एंड एक्सप्लेन कि भाई ये प्रॉब्लम है, इस तरह से पढ़ो. जब मैं IIT की तैयारी कर रहा था 1989 में, मुझे किसी ने नहीं बताया. मैं तो राजस्थान बोर्ड में हिंदी मीडियम में पढ़ता था, हमारे यहां तो कोई तैयारी नहीं करता था. हमें तो पता ही नहीं था कि कैसे तैयारी होती है. हम तो भाई बोर्ड में, क्योंकि हमेशा बोर्ड में अच्छे नंबर लेकर आते थे, 10th क्लास में मेरिट में थे, 11th क्लास हमारे टाइम पर बोर्ड हुआ करता था उसमें मेरिट में थे. तो बस पूरे शहर को पता था कि पढ़ने में बहुत होशियार है, हमें भी पता था बहुत होशियार है. और हम जैसे मेरिट लेकर आए थे वैसे रगड़ते रहते थे, वही थ्योरी याद करते रहते थे, लिख लिख कर याद करते रहते थे, न्यूमेरिकल लगा ही नहीं. वो तो किस्मत अच्छी थी, भगवान की दया थी, चांस की बात थी कि IIT में सिलेक्शन हो गया, वरना सिलेक्शन ही नहीं होता. अगर जिस तरह से मैंने पढ़ा, आज मैं सोचता हूँ कि भाई मैंने क्या करा, तो मुझे लगता है कि मेरा तो सिलेक्शन ही नहीं होता. मुझे तो कोई समझाता तो मेरी रैंक आई थी 1502 IIT के अंदर 1989 में. अगर मुझे कोई गाइड कर देता जैसे मैं आपको गाइड कर रहा हूँ, अगर इसे समझा देता तो मेरे इनमें से 2 डिजिट हट जाते, या तो आगे वाले या पीछे वाले, या तो 15 आती या 2 आती. मैं सही बता रहा हूँ आपको, ट्रस्ट मी. मतलब गाइडेंस का बहुत फर्क पड़ता है. यू शुड गेट द राइट गाइडेंस एंड दैट्स व्हाई यू पीपल एक्चुअली मूव फ्रॉम योर होम टाउन टू सम अदर प्लेस. परंतु वो राइट गाइडेंस आपको घर पे मिल रही है, हम है ना आपके साथ, आपके घर के अंदर आके आपको पढ़ा रहे हैं. इससे बड़े प्राइवेट ट्यूशन क्या हो सकती है. आपको यूज करना आना चाहिए फैसिलिटी, या टेक्नोलॉजी यूज करना आना चाहिए. इससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता कि कोई आदमी घर के अंदर आपको आके समझा रहा है. न तो आपको उसको चाय पिलानी पड़ रही है, ना आपको चिंता करनी पड़ रही है कि कोई आ जाएगा अभी सुबह सुबह. आपको तो घर पे ही पढ़ा रहे. मैं थोड़ा थोड़ा लाइट करता रहूंगा, आपको मजाक कर रहा हूँ. चाय पीने की मेरी आदत है इसलिए मुझे चाय ज्यादा याद आती है. Anyway, तो पहली चीज तो हमारी होगी राइट गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए. राइट गाइडेंस कैसे मिलेगी वो मैं आपको बताऊंगा. दूसरी क्या है, आपको हार्डवर्क करना पड़ता है, वो भी स्मार्टली. स्मार्ट हार्डवर्क है क्योंकि देखो रेस सब कर रहे हैं, सब दौड़ रहे हैं, सब भाग रहे हैं, तो आपको स्मार्ट हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा. अब स्मार्ट हार्डवर्क तो करना ही पड़ेगा, परंतु स्मार्टली करें ताकि आउटपुट ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि अपन को अपना आउटपुट बढ़ाना है भाई. घंटे तो 24 ही है ना, उसमें से 8 घंटे सो जाएंगे, 6 सो जाएंगे, खाएंगे पिएंगे, दोस्तों से बात करेंगे, तो जो पढ़ने का समय मिलेगा तो लिमिटेड है. अब उस लिमिटेड समय में मैक्सिमम आउटपुट कैसे लाया जाए, उसको बोलते हैं हम स्मार्ट हार्डवर्क. और कॉम्पिटिशन के जब हम तैयारी करते हैं तो हमें पल पल ऐसा लगता है कि यार सिलेक्शन नहीं होगा. लोग कहानियां सुनाते रहते हैं, उसका नहीं हुआ, उसका नहीं हुआ, और हमें भी डर लगता रहता है, दिल धक धक करता रहता है कि यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा. इसलिए आपको कॉन्फिडेंस की और पॉजिटिव थिंकिंग की जरूरत पड़ती है. अगर आपको ये तीनों चीजें अगर आपके पास हैं, या तीनों चीजें आप समय के साथ डेवलप कर लेते हो, हम करेंगे आपका. जब CP लाइव में आप पढ़ रहे हैं हमारे साथ, हम आपके तीनों चीजें डेवलप करेंगे, मेरी गारंटी है. क्योंकि ये जो टेक्नोलॉजी की पावर मुझे मिली है और मुझे मिलकर जो आपको मिली है, मैं गारंटी देता हूं आपको कि सारी चीजें मैं आपके लिए आपके घर पर सीधे पहुंचा दूंगा. क्योंकि मुझे ये इस चीज का तो मैं इंतजार कर रहा था कि ये चीज कैसे लोगों के घरों पर पहुंचे, क्योंकि इसकी वजह से हम एजुकेशन को अफोर्डेबल बना सकते हैं.
आज गरीब से गरीब आदमी भी आज एजुकेशन ले सकता है, सस्ता कर सकते हैं, डायरेक्ट घर पे लेके जा सकते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं. तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, इफ यू आर राइट गाइडेंस, स्मार्ट हार्डवर्क, पॉजिटिव थिंकिंग, देन योर सक्सेस इज इंश्योर इन नीट एंड जी. तो माओ आई विल टेक दीज थ्री पॉइंट्स, राइट गाइडेंस कैसे होगी, स्मार्ट हार्डवर्क क्या होगा और पॉजिटिव थिंकिंग क्या होगा. राइट गाइडेंस के लिए क्या करते हैं, राइट गाइडेंस के लिए भी आप लोगों ने क्या करा, आप लोगों ने सीपी लाइव का लाइव कोर्स ज्वाइन कर लिया. तो सबसे पहले मैं सीपी लाइव के बारे में बताता हूँ कि सीपी लाइव आपको राइट गाइडेंस कैसे देगा, ठीक है. और जिन लोगों ने नहीं करा और आज सेशन में आए तो उनको लोगों के लिए भी पता पड़ जाएगा कि सीपी लाइव में क्या होगा. उसके बाद के सेशन में मैं बताऊंगा कि आप स्मार्ट हार्डवर्क किस तरीके से करें, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है और आपके लिए भी है. अब फिर बाद में पॉजिटिव थिंकिंग पे बात करेंगे. तो सबसे पहले आते हैं राइट गाइडेंस. नाउ राइट गाइडेंस में आप लोगों ने, जैसे मैंने बोला है कि आपने सीपी लाइव को सेलेक्ट करा है, आप लाइव क्लासेस ले रहे हैं और ट्रस्ट मी पूरे देश में बहुत से लोग लाइव क्लासेस चला रहे हैं, बट लाइव क्लासेस सॉरी ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं, परंतु लाइव कैरियर पॉइंट ही आपको सीधा आपके घर पे पहुंचा रहा है और उसमें भी वो एक्सपीरियंस लेकर आ रहे हैं जो 30 साल का हमारा एक्सपीरियंस आपको पढ़ाने का. ये सिर्फ लिखने में ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है बट इट इज एक्चुअली रिप्लिका ऑफ क्लासरूम कोचिंग एंड इवन मोर पावरफुल. क्लासरूम कोचिंग जो हमारी होती है, जो कहीं पर भी होती है, उस क्लासरूम कोचिंग का रिप्लिका है. रिप्लिका का मतलब होता है कि एग्जैक्टली उसकी कॉपी. और मेरा मानना तो है इट इज इवन मोर पावरफुल. मेरी डॉटर है, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, बच्चे हैं, आप सब मेरे बच्चों के बराबर ही है. मेरी डॉटर है, क्लास 12th में पढ़ती है और वो भी लाइव क्लासेस ज्वाइन करके पढ़ रही है. इनफैक्ट हम तो लाइव पहले भी चला रहे थे तो पहले भी पढ़ रही थी, वो तो कोटा में रहती है फिर भी वो लाइव में पढ़ती है मेजोरिटी ऑफ टाइम, क्योंकि ये बहुत पावरफुल है. इसका तरीका, इसका बताऊंगा पावर क्या है इसकी, मैं आपको आगे बताऊंगा. तो सीपी लाइव एक हमारा लाइव प्लेटफॉर्म है, इसकी आप लोगों के पास ऐप है, ऐप को आप डाउनलोड करके ई कैरियर पॉइंट के नाम से ऐप है. हम इसकी वेबसाइट भी बना रहे हैं, थोड़े दिनों में वेबसाइट भी बिल्कुल आपके सामने अच्छी तरह से आ जाएगी, अभी भी है अच्छी आ जाएगी, आप उसमें काम कर सकते हैं. चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारे पास सीपी लाइव में हम करते क्या है. तो सीपी लाइव में जिस तरह की ऐप मैंने आपको बताया कि ये ऐप है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, इसमें बहुत तरह तरह के फीचर्स हैं. सीपी लाइव में आप यहाँ पर किसी भी फैकल्टी मेंबर को फॉलो कर सकते हैं, उसकी पोस्ट को देख सकते हैं. ये पोस्ट जो है हम इसको बढ़ा रहे हैं. आपने शायद आप पूरा समय निकालिएगा सीपी लाइव की ऐप के साथ, उसमें जगह जगह पर आप क्लिक करिएगा. जब आप पोस्ट देखते हैं या आपकी क्विजेस देखते हैं तो उसके साइड में तीन डॉट्स होते हैं, उन डॉट्स में से किसी डॉट को अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको आएगा सेव टू योर नोट्स एंड यू कैन सेव एनी क्वेश्चन टू योर नोट्स, जो आपके पीछे प्रोफाइल में नोट्स की तरह जम जाता है. अपने रेगुलर क्लास में कहाँ होता है कि आपको इंपॉर्टेंट चीज को वहां पे लगा सकें. इस तरह के इसमें फीचर्स होते हैं, आप कोई भी एग्जाम को सेलेक्ट कर सकते हैं. और जैसे आप जब वीडियो देखते हैं तो वीडियो को बाद में रिपीट वॉच कर सकते हैं. कुछ बच्चों की रिक्वेस्ट आई थी कि रिपीट वॉच में हमें स्पीड बढ़ाकर दीजिए, तो नया वर्जन जो ऐप का आएगा उसमें हम स्पीड बढ़ाकर भी लेकर आ रहे हैं. साथ में आपने देखा होगा कि इसमें हम बुकमार्क फैसिलिटी भी आपको देते हैं. अगर आप देखेंगे इसमें तो यहाँ पर ये जो जगह है, यहाँ पर तो आपकी चैट आ जाती है और यहाँ पर आपको बुकमार्क आता है, यानी कोई भी वीडियो को किसी भी पॉइंट पर आप बुकमार्क कर सकते हैं, ताकि अगर आप कभी रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन करते वक्त आप सीधे बुकमार्क पे क्लिक करेंगे, सीधा वीडियो वहीं पहुंच जाएगा. मतलब अब ये आप बताइए, ये ट्रेडिशनल क्लास में कहाँ पॉसिबल है. अगर आपने एक बार क्लास अटेंड कर ली दोबारा, तो पहले बात तो पढ़ने कहाँ जाओ, अगर समझ में नहीं आया तो किससे पूछो, पूछो तो प्रॉब्लम काउंटर पे जाओ, वहां पे समय ज्यादा लगता है. पर यहाँ पर आपको बुक मार्क से सीधा क्लिक करके उस पॉइंट पे जा सकते हैं और वहां से अपनी पढ़ाई को चालू कर सकते हैं. और ऐसे ढेरों फीचर ऑलरेडी हैं और ढेरों फीचर अभी आने वाले समय पर आएंगे, जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से एजुकेशन डिलीवरी को पर्सनलाइज, एफिशिएंट और रिजल्ट ओरिएंटेड करते जाएंगे. तो आप लोगों ने बहुत सही काम करा है कि आपने सीपी लाइव करा है, सीपी लाइव को ज्वाइन करा है. सीपी लाइव में हम करते क्या है, सीपी लाइव में कोई भी कोचिंग जो होती है तो उसमें थ्योरी क्लासेस होती है. तो वी कंडक्ट लाइव इंटरेक्टिव थ्योरी क्लासेस बाय एक्सपर्ट फैकल्टी मेंबर इन सीपी लाइव. हम लाइव करते हैं, आप ड्यूरिंग द लाइव चैट लिख सकते हैं, चैट को हमारे फैकल्टी मेंबर पढ़ते हैं, उसमें जो रिलेवेंट डाउट होता है उसको वो हाथों हाथ जवाब देते हैं. हमने देखा है कि बहुत से बच्चे शरारत की वजह से चैट में कभी ज्यादा लिखते हैं तो हमारे फैकल्टी मेंबर उनको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि क्लास में देखो डिसिप्लिन चाहिए होता है. जब आप लाइव क्लास अटेंड करते हैं तो अगर आप क्लासरूम में भी बैठे हो तो आपको हाथ खड़ा करना पड़ता है ना कि क्वेश्चन पूछना है मुझे डाउट है, तो वहां पे भी आपको हाथ खड़ा करना पड़ेगा. और अगर आप चैट में अननेसेसरी चीजें लिखेंगे तो टीचर अवॉइड करेगा, बट जो रिलेवेंट आपके चैट्स होती हैं उन चैट्स को फैकल्टी मेंबर पिक करके उनको जवाब देते हैं हाथों हाथ. तो इट्स लाइक यू नो यू आर सिटिंग इन द क्लासरूम इन कोटा और डायरेक्ट आपको सारी बातों का जवाब मिलता है. आप डाउट पूछ सकते हैं,
सबसे बड़ा फीचर है कि यही लेक्चर आपको रिकॉर्डेड अवेलेबल होते हैं, तो अगर कोई चीज आपको एक बार में समझ में नहीं आया, आपको दोबारा पढ़ना है, तो आप रिपीट रनिंग कर सकते हैं आपका। आप देखिए, देखो आपका एग्जाम जब होगा, कोई 11th का तो 2 साल बाद देगा, 12th का तो 1 साल बाद देगा, तो आपको चैप्टर रिवाइज करने पड़ेंगे। चैप्टर रिवाइज करने के लिए थ्योरी पढ़नी पड़ती है, कभी कभी थ्योरी से समझ में नहीं आया तो आपको लेक्चर दोबारा सुनने की इच्छा है। तो मैंने जो आपको फीचर बताया था ना बुक मार्क वाला, अगर आप हाथ लगा के रखेंगे तो बुक मार्क में जाके आप हाथों हाथ वो आर्टिकल दोबारा पढ़ सकते हैं। ये फीचर ये टेक्नोलॉजी की वजह से संभव है। पहले बात तो रिकॉर्डेड लेक्चर की फैसिलिटी जो आपको मिलती है वो टेक्नोलॉजी संभव है, तो बुक मार्क आप लगा सकते हैं। साथ में जो नोट्स हम आपको देते हैं, क्लास नोट्स देते हैं जो टीचर यूज करते हैं, वो भी हम ऐप में अवेलेबल आपको करा देते हैं। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे जैसे लेक्चर खत्म होता है हाइपर हो जाते हैं, सर नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप में उसको लिखना शुरू कर देते हैं। तो आप थोड़ा पेशेंस रखा करिए, हमारे पीछे टेक्नोलॉजी टीम को थोड़ा टाइम लगता है हर चीज को आपको पहुंचाने में, करीब 12 घंटे में हर चीज आपको पहुंचाता है, बट ये सब चीज आपको लाइव क्लास में मिलती है। कोचिंग में भी आपकी थ्योरी क्लास होती है, पर थ्योरी क्लास इतनी पावरफुल नहीं होती जितनी लाइव में होती है। वहां पर आपको क्लास में थ्योरी तो पढ़ा देते हैं, आपके डाउट आप शर्म के मारे नहीं पूछ पाते। आप 100 बच्चों की क्लास में बैठे हुए, मैंने 27 साल के मेरे एक्सपीरियंस में देखा है कि बच्चों को डाउट होता है परंतु पीयर प्रेशर के मारे वो अपना डाउट ही नहीं लिखता है, बोलता ही नहीं, वो देखता है आजू बाजू कि कोई हंसेगा तो नहीं मेरे ऊपर। परंतु आपको टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको पता नहीं है कि आप, और दूसरी बात, हम किसी का भी चार्ट दूसरे स्टूडेंट को दिखाते नहीं है। तो अगर आपका सिलियस्ट भी डाउट है, ऐसा डाउट है जो आपको शर्म आ रही पूछने में, तो भी वो आपके और फैकल्टी के बीच में ही है। हम आपकी चार्ट को किसी दूसरे को नहीं दिखाते, हमने उसको ध्यान रखा है। हमें पता है कि बच्चों को पब्लिक में अपने डाउट पूछने में शर्म आती है, उनको लगता है कि सब लोग हंसेंगे मेरे ऊपर, तो हमने उसको खत्म करा। दैट्स अ पावर वी गिव यू थ्रू द टेक्नोलॉजी। ये टेक्नोलॉजी की वजह से हो सकता है, वरना आप कैसे टीचर के कान में जाके बोलोगे अगर क्लास में बैठे होते तो? भाग के जाके कान में बोलते सर एक क्वेश्चन है, वो तो प्राइवेट ट्यूशन में हो सकता है, इट्स लाइक ए प्राइवेट ट्यूशन। तो ये काम हम आपको देते हैं। फिर जब हम एक बार क्लास खत्म हो जाती है तो कोचिंग में क्या कराया जाता है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट दी जाती है। तो हियर वी गिव यू डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट, ये डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट देते हैं, क्विज देते हैं। हमें फीडबैक आया था कि सर डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट को पीडीएफ फॉर्मेट में दे दीजिए, तो हमने कल से उसको पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया है ताकि बच्चों को सफिशियंट टाइम मिले, क्विज का प्रेशर बन जाता है। और क्विज हम अलग कर रहे हैं, क्विज को और डीपीपीएस को हम विद सॉल्यूशन देते हैं, साथ में क्विज में हम रैंकिंग देते हैं जो एक हेल्दी कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट बनाता है। कोचिंग में कॉम्पिटिटिव, बहुत से लोग उससे बोलते हैं सर कोचिंग में कॉम्पिटिशन होता है ना तो पढ़ने का मन करता है, हम भी करते हैं। ऑनलाइन में आपको वो भी मिल रहा है, तो आपके पास गाइड जो है दैट टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। देन वी गिव यू ग्रेडेड एक्सरसाइज शीट विद सॉल्यूशन फॉर प्रैक्टिस, तो हम आपको एक्सरसाइज शीट भी दे रहे हैं जिनके भी सॉल्यूशन दे रहे हैं ताकि आप खुद प्रैक्टिस करके कर सके। सबसे बड़ा जो टेक्नोलॉजी से आप पढ़ते हैं उसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा जो लोगों के दिमाग में डाउट है वो है कि सर डाउट सॉल्विंग कैसे होगा। देखिए मैं आपको एक बात हटकर बताऊं, मेरी दो डॉटर, मेरी बड़ी डॉटर यूएस में पढ़ती है और यूएस में तो सिचुएशन आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। तो शी केम बैक टू इंडिया अबाउट 1.5 मंथ अगो, और वो उसकी जो उसका पूरा, और टॉप यूनिवर्सिटी, तो उसकी जो सारी क्लासेस है वो जूम से लाइव चलती हैं, उसका पूरा सेमेस्टर लाइव चल रहा है। और वो रोजाना जो उसका इवनिंग टाइम है, जब उनका मॉर्निंग टाइम होता है तो उसकी क्लासेस चलती हैं, उसमें बहुत डाउट भी पूछते हैं, असाइनमेंट भी होते हैं, एग्जाम भी हो रहे हैं, डिग्री भी मिलेगी बाद में, मतलब आप देखिए। तो डाउट का जो एक मिथ है कि डाउट कैसे पूछे, मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस बोलता है 99% टाइम पर इवन नॉर्मल क्लास में बच्चा डाउट नहीं पूछता शर्म के मारे। हम यहाँ पर आपको फैसिलिटी दे रहे हैं कि चैट की वजह से, 1-to-1 चैट की वजह से आप अपने डाउट पूछ सकते हैं। फिर हमने एक पीयर ग्रुप डिस्कशन का कंसेप्ट लेकर आए कि जैसे आप फ्रेंड्स का ग्रुप बनता है उसमें क्वेश्चंस करते हैं, तो फ्रेंड का ग्रुप तो आपके शहर में ही, आप में 3-4 लोगों ने मिलकर सीपी लाइव ज्वाइन कर ही रखा है, तो अमंग फ्रेंड तो आप डिस्कस करते ही है, बट कैन यू डिस्कस इट अमंग फ्रेंड्स अक्रॉस इंडिया? पूरी दुनिया में जो बच्चे बैठे हैं उन फ्रेंड्स के बीच में डिस्कशन करने के लिए हमने आपको टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है जहां पर आप डिस्कशन कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है, फ्री नहीं है वो टेलीग्राम ग्रुप कि आपको छोड़ दिया, हम मॉडरेट करते हैं उसको, हमारी टीम उसको देखती है आप क्या पोस्ट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। और कभी बच्चे फालतू की बात करते हम डांट भी लगाते हैं, हम कुछ लोगों को बाहर भी कर देते हैं, वहां से ब्लॉक भी कर देते हैं, मॉडरेट करते हैं। और ये फैसिलिटी आने वाले वर्जन में हम टेलीग्राम से शिफ्ट करके अपनी ऐप में लेकर आ रहे हैं, ताकि ऐप में अगर कोई क्वेश्चन आपको नोट्स में जोड़ना हो तो आप नोट्स में भी जोड़ सकें, पीयर लर्निंग भी आप कर सकते हैं। और पीयर लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग विच कैन हैपन विद यू, दैट्स आल्सो पॉसिबल विद टेक्नोलॉजी। हम डीपीपीएस के ऑनलाइन डिस्कशन करते हैं, फैकल्टी मेंबर क्लियर करते हैं, और रिकॉर्डेड सॉल्यूशन भी हम प्रोवाइड करते हैं, और लाइव इंटरेक्टिव 2-way डाउट क्लियरिंग सेशन हम चालू कर रहे हैं, जैसे अभी मैं आपसे कर रहा हूँ आज तो, क्योंकि हमारी टीम आज तो इन सब बच्चों को बुला लिया, तो बड़ी गैदरिंग है आज, बड़े सारे लोग आज अपने साथ जुड़े हुए हैं, परंतु हम
डाउट सॉल्विंग भी आप लोगों के लिए कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पे जाते हैं कि कोचिंग में डाउट क्लियर हो गए, एक्सरसाइज शीट हो गई, तो फिर टेस्ट सीरीज होती है। तो वी हम आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लेकर आ रहे हैं, माइनर मेजर टेस्ट लेंगे, टेस्ट डिस्कशन होंगे, फीडबैक देंगे, और सबसे बड़ी बात होती है कि रेगुलर काउंसलिंग गाइडेंस आपको कोचिंग इंस्टीट्यूशन पर मिलती है, वो भी हम आपको लाइव दे रहे हैं, ताकि परफॉर्मेंस आप कैसे इंप्रूव करें, मोटिवेटेड कैसे रहें। आज का सेशन हमारा इंट्रोडक्शन सेशन है, हम नेक्स्ट सेशन लेंगे कि हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस, उसके बाद का सेशन लेंगे हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, हाउ टू इंक्रीज स्पीड एक्यूरेसी, इस तरह के हमारे बहुत सारे सेशंस हैं जो हम आप लोगों के साथ लेते रहेंगे और आप लोगों के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो इस तरीके से जो आपका ये सीपी लाइव है, ये पूरा का पूरा कोचिंग का रिप्लिका है, जो कोचिंग में होता है सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। और इसके जो हिडन येट बेस्ट बेनिफिट, ये तो चलो कोचिंग तो कोचिंग ही, कोचिंग तो कोचिंग मिल ही गई आपको, तो इसका बेस्ट बेनिफिट क्या है आपको? डायनेमिक डिलीवरी। मैं समझाता हूँ डायनेमिक डिलीवरी क्या होता है। अगर मान लीजिए मुझे लगता है कि मुझे कोई चीज आपको नहीं देनी है, तो मैं टेक्नोलॉजी के माध्यम से सब बच्चों को रात को सोचता हूं तो सुबह आपके पास पहुंचा सकता हूं, डायनेमिकली मैं आपको इंफॉर्मेशन दे सकता हूं इस कोर्स के अंदर टेक्नोलॉजी के माध्यम से। वरना अगर मुझे यही कोचिंग क्लास में करना होता तो मुझे अनाउंसमेंट करना पड़ता, मुझे बोलना पड़ता 3 दिन बाद एक्स्ट्रा क्लास है, आपकी 3 क्लासेस रेगुलर है, उस एक्स्ट्रा क्लास में आपको बुलाना पड़ता, कुछ का टाइम बैठ पाता, कुछ का नहीं बैठ पाता। तो डायनेमिकली यू कैन नॉट डिलीवर, बट यू कैन डिलीवर डायनेमिकली इन सीपी लैब विद द टेक्नोलॉजी, दिस इज पॉसिबल। मैं कहता हूं टेक्नोलॉजी से पढ़ने से बेहतर कुछ है ही नहीं आज। देन अनदर हिडन बेनिफिट, लर्न एनी टाइम एनी वे, कभी भी पढ़ो, कभी भी सीखो, जब फ्री है तब पढ़ो। आपका फोन है, आपका टेबलेट है, आप हाथ में रखिए, आप खाना खा रहे पढ़िए, आप कहीं छत पर जाकर बैठे हुए थोड़ा टहल रहे तो पढ़िए, यू कैन लर्न, सो यू कैन मिनिमाइज योर टाइम, यू नो वेस्टेज ऑफ योर टाइम। आप मान लिया अभी तो आपकी ट्रेवल पॉसिबल नहीं है, बट ट्रेवल कर रहे हो तो वहां से कल स्कूल खुल जाता है, स्कूल जाना पड़ता है, फालतू के टाइम में रेसिस में आप पढ़ सकते हो। मतलब आप हमेशा लर्निंग पर रह सकते हो, एक्सट्रीमली कॉस्ट इफेक्टिव, बहुत सस्ता, क्योंकि हमने तो इस तरह सस्ता कर दिया है कि ये अफोर्डेबल सबके लिए हो जाए। अगर आप किसी कोटा में अगर आप पढ़ने आते हैं तो आपको लगभग 2.5 से 3 लाख का बजट बनाना पड़ता है, कोचिंग की फीस, हॉस्टल की फीस, साथ में ट्रेवलिंग के खर्चे, आने जाने के खर्चे, पेरेंट्स से दूर, सब कुछ तनाव और पढ़ाई, सब कुछ एक साथ करना है, जबकि इसमें आपके लिए तो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल फीस है, मतलब कोई फीस ही नहीं आप मान के चले। ये है, इट सेव लॉट्स ऑफ टाइम। इनफैक्ट मैं तो कहता हूँ कि जो बच्चे कोचिंग भी जाना चाहते हैं उनको भी सीपी लाइव तो ज्वाइन करके रखना ही चाहिए, उनके लिए मतलब कोई बुराई नहीं है, कोई एडिशनल मतलब इतनी कम फीस में, इतने में तो नर्सरी की ट्यूशन नहीं होती जितने में हम आपको पढ़ा देते हैं। और क्योंकि टेक्नोलॉजी के माध्यम से, क्योंकि हमारे लिए भी सस्ता पड़ता है, तो फिर हम आपको क्यों महंगा दें, हम भी आपको सस्ता ही देते हैं। एनीवे, इट सेव्स लॉट ऑफ टाइम, सो यू कैन मैक्सिमाइज टाइम फॉर सेल्फ स्टडी। जैसे मैं बिगनिंग में कह रहा था कि डिफरेंट एग्जामिनेशन है, तो इसमें प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको फायदा होगा, प्रैक्टिस के लिए टाइम चाहिए, क्योंकि थ्योरी भी पढ़नी है और प्रैक्टिस, तो टाइम कहां से, टाइम तो 24 घंटे, भगवान से प्रार्थना करके 24 घंटे को 48 घंटे तो कर नहीं सकते, ये तो बोल नहीं सकते कि सब प्रार्थना करो भाई इस साल के लिए 48 घंटे कर दो। तो हम क्या कर सकते हैं, हमें टाइम बचाना पड़ेगा, और टाइम बचाकर हम उसको सेल्फ स्टडी में, प्रैक्टिस में लगाएंगे, तो आपको इसका ये एक बहुत बड़ा हिडन बेनिफिट है। और सबसे बड़ा बेनिफिट जो है वो इमोशनल सपोर्ट एज यू आर विद फैमिली। मैं मान के चलता हूं कि कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है वो होती है इमोशनल सपोर्ट, क्योंकि पल पल आपको लगता है कि आपका सिलेक्शन होगा, पल पल आपको लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा, एंड देन यू नीड समवन हु कैन इमोशनली हेल्प यू टू हैंडल ऑल दिस काइंड ऑफ स्ट्रेस, और उसकी जरूरत आपको बहुत ज्यादा होती है। आप ध्यान रखिएगा, उसकी जरूरत बहुत ज्यादा होती है, और ये मैजिकल होता है, मतलब कहते हैं ना माँ का दुलार प्यार, पेरेंट्स का प्रोटेक्शन, मतलब फादर का प्रोटेक्शन, दुनिया में इससे बढ़िया दो चीजों में से बढ़िया कोई भी चीज नहीं है। और अगर आपको मिलती है तो आपकी जो ताकत है, आपकी जो पावर है, वो इनफाइनाइट हो जाती है। दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि रोक सके। मैं जब आईटी की तैयारी कर रहा था, मैं रात को 3 बजे उठ के पढ़ने की इच्छा रखता था, मम्मी से बोलता था, मम्मी 3 बजे उठा देती थी। मैं रात को 3 बजे उठ के फिर बोलता था चाय बना देना, चाय बना देती थी, चाय पी के मैं फिर सो जाता था, बोलता था बहुत नींद आ रही है 4 बजे उठा देना, वो फिर 4 बजे उठा देती थी। मुझे लगा कि आईटी की तैयारी मैंने नहीं करी, मम्मी ने करी, मैं तो पढ़ रहा था, तैयारी तो वो कर रही थी मेरे लिए। मतलब वो रात को सबको खाना खिला के सोती होगी, 9-10 बजे मुझे चाय पिलाती, फिर मैं सो जाता, फिर वो मुझे 12 बजे उठाती, 2 बजे उठाती, 3 बजे उठाती, मैं सोता रहता, उठता रहता, वो मुझे उठाती रहती। अब देखिए ये सपोर्ट कहाँ मिल सकता है आपको,
ये तो पेरेंट्स ही दे सकते हैं, मतलब ये तो, मतलब पेरेंट्स तो दुनिया की मतलब एक चमत्कार है, मतलब ये तो मैं मान के चलता हूँ चमत्कार है, एक ऐसी ऐसी मतलब आपको भगवान ने वो दी है, एक ऐसी एंटिटी दी है कि जिसको जितना बोला जाए सोचा जाए वो कम है, और वो इमोशनल सपोर्ट आपको भाई बहनों का वो मिलता है ना, वो अमेजिंग है। एनीवे अभी जैसे मैं आपको बताऊं अभी हमारे साथ क्या हुआ आपसे मजाक में, अभी घटना ऐसी भी कि आपका सेशन चालू हो रहा था, एक साथ 600-700 लोग आ गए और हमारे जूम सेशन ने रोक दिया लोगों को, इमीडिएटली स्ट्रेस हो गया कि क्या होगा, अभी अभी का सिचुएशन है, अभी मतलब आधे घंटे पहले की बात है, तनाव हो गया बहुत भयंकर कि क्या करें, अचानक मेरे बड़े भाई साहब आए, उन्होंने बोला क्या हो गया, मैंने कहा आफत हो गई, अभी क्या होगा, बच्चे इंतजार कर रहे हैं और सबको बोला हुआ है, बड़ी परेशान हो जाएंगे बच्चे अभी और बेइज्जती कर देंगे, भाई देखो टेक्नोलॉजी में कुछ हो सकता है, तो बड़ा पहला पहला एक्सपीरियंस खराब हो जाए तो लोग बोलेंगे अरे क्या करा सर ने, तो सब गड़बड़ हो गई, तो बट भगवान की दया है, इमिडिएटली हमें, हमने फिगर आउट करा प्रॉब्लम क्या है, हमने उसको इमिडिएटली सही करा और 2-3 मिनट में सही हो गई और फिर आप लोगों ने ज्वाइन कर लिया, मतलब होता है हमारा तो परिवार, आप सब लोग हमारे फैमिली मेंबर हो गए, तो आपसे मुझे कोई शर्म नहीं कोई भी चीज बताने में कि हमसे कुछ गड़बड़ हो जाती है, होती है, बट ये धीरे धीरे लर्निंग होती है और सपोर्ट मिलता है, तो वहां पर जब मेरे को दिक्कत आई थी अभी ये सेशन शुरू करने में, तो सपोर्ट करने में शैलेंद्र मेरा ब्रदर है, तो शैलेंद्र ने मुझे इमिजिएटली हेल्प करा और सब लोगों ने मुझे हेल्प करा और सेशन चालू हो गया, तो इमोशनल सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये तो बात होगी सीपी लाइव क्या है, अब आता है हाउ टू स्टडी एट होम। बच्चों ये आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है, इसके पहला वाला सेशन भी बहुत जरूरी था, वो मैंने इसलिए बताया कि जो सीपी लाइव में पढ़ रहे हैं उन बच्चों में बहुत से बच्चों में हैंगओवर है, वो सोचते हैं कि यार लाइव का थोड़ी मतलब जो क्लासरूम में कोचिंग होती है वो थोड़ी सीपी लाइव में हो सकती है, मैं आपको बताऊं ये गलत है, उससे ज्यादा अच्छी होती है, ये ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको सीपी लाइव के बारे में बताया ताकि आप कॉन्फिडेंस से पढ़ें, ताकि जो भी समय आप सीपी लाइव में दे रहे हैं चाहे 1 महीना दे उसके बाद रेगुलर पढ़ें या पूरा पूरा सीपी लाइव पे पढ़ें, जो भी समय आप दे रहे हैं पूरी निष्ठा के साथ पढ़ें ताकि आपकी लर्निंग हो, आपका समय ना बिगड़े, आप 1 महीना पता नहीं कितने दिन तक लॉकडाउन रहेगा और आगे रहेगा नहीं रहेगा, बट जितने टाइम पे पढ़ें तब तक बढ़िया पढ़ें, और मेरा मानना है कि पूरे टाइम पे पढ़ें पूरा फैसिलिटीज में मिलता है। चलिए तो क्वेश्चन हमारा आता है दूसरा कि आप लोगों से हमारी क्या एक्सपेक्टेशन है, बहुत एक्सपेक्टेशन है आपसे, आप सेलेक्ट हो और मिठाई का डब्बा लेकर आए हमारे घर पर, इससे सबसे बड़ी एक्सपेक्टेशन तो मेरी ये है, और उसके अलावा क्या एक्सपेक्टेशन आपसे हो सकती है तो वो बताता हूं मैं आपसे, स्मार्ट हार्डवर्क, हार्डवर्क तो आपको करना ही है बट स्मार्टली का हार्डवर्क करना है, आई विल डिस्कस फ्यू इंपॉर्टेंट पॉइंट हाउ टू स्टडी एट होम, घर के एनवायरमेंट में पढ़ाई कैसे करी जाती है, एंड देन आई विल ऑल्सो डिस्कस रोल ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग एंड कॉन्फिडेंस इन योर सेलेक्शन, कि इसका क्या इंपॉर्टेंस आपके उसमें रहता है। तो अगर हम एक एक करके बात को लें तो सबसे पहले मैं बात करता हूं स्मार्ट हार्डवर्क की, सी देर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्डवर्क, एक बात तो मान के चलिएगा कोई जादू नहीं किसी के पास में, देर इज नो सब्स्टिट्यूट टू हार्डवर्क बट एट द सेम टाइम यू हैव टू वर्क स्मार्टली, हार्डवर्क तो सभी लोग करते हैं, हार्डवर्क तो मजदूर भी करता है ना, वो मजदूरी तो आपको भी करनी पड़ेगी, उसके तो बिना कोई काम हो ही नहीं सकता दुनिया में, आपको जितना पर स्मार्टली करना है, क्योंकि देखो आप लोग जो मैं मान के चल रहा हूँ कि आप सब लोग 11th और 12th वाले स्टूडेंट्स हो, तो यू आर प्रिपेयरिंग फॉर 2021 एंड 2022, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वॉट एवर यू आर डूइंग टूडे यू शुड बी एबल टू यूटिलाइज द नॉलेज यू आर डेवलपिंग और गैदरिंग टूडे इन 2021 एंड 2022। अब नॉलेज गैदर करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, आप DPP कर रहे हैं, आप एक्सरसाइज शीट सॉल्व कर रहे हैं, आप न्यूमेरिकल कर रहे हैं, थ्योरी पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं, परंतु आप सोचो मैं कैलकुलेशन आपको बताता हूँ, आप मान लीजिए एक सब्जेक्ट में 30 चैप्टर हैं, फिजिक्स लिया 30 चैप्टर है टोटल मिला के 11th और 12th के मिला के, हर चैप्टर में मान लो आप 300 क्वेश्चन करेंगे तो लगभग 9,000 क्वेश्चन न्यूमेरिकल आप करेंगे फिजिक्स में, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी बायोलॉजी जूलॉजी बोटनी कंबाइन कर लो, सब में अगर आपने 9,000 क्वेश्चन करे तो 27,000 क्वेश्चन हो गए साल भर में, 27,000 क्वेश्चन में से कुछ टेस्ट पेपर वगैरह करके 30,000 क्वेश्चन तो आप करोगे करोगे, परंतु जो क्वेश्चन आज आप कर रहे हो उस जो आप पढ़ रहे हो वो आपको बाद में याद भी रहेगा कि नहीं रहेगा, आज कोई क्रिटिकल चीज लर्निंग करी हो बाद में आपको याद आएगी कि नहीं आएगी, उसके लिए प्लानिंग आज से करनी पड़ती है, सोचता आज पड़ता है कि किस तरीके से अपनी स्टडी को प्लान करें, यू हैव टू कीप थिंग्स इन माइंड दैट एट द एंड ऑफ द डे लाइक एट द एंड ऑफ द एग्जाम एट द एंड ऑफ द कोर्स यू हैव टू रिवाइज एवरीथिंग एंड यू हैव टू परफॉर्म, आपको एग्जाम में जाके परफॉर्म करना पड़ेगा, आपको रिवाइज करना पड़ेगा, और रिविजन में जो साल भर में पढ़ रहे हो वो रिविजन के 2 महीने में तो नहीं पढ़ सकते, संभव नहीं है, जो 30,000 क्वेश्चन आज आप करोगे पूरे साल भर में या 2 साल में उनको लास्ट के 2 महीने में जिसको हम बोलते हैं रिवीजन करो भाई रिवीजन करो, उस 2 महीने में 30,000 क्वेश्चन तो दोबारा नहीं कर सकते, सारी थ्योरी तो दोबारा नहीं पढ़ सकते,
तो फिर अगर रिवीजन नहीं होगा तो फिर कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होता एग्जाम के पहले, लगता है कि यार फेल हो जाएंगे, कुछ भी आता नहीं है, कुछ बन नहीं रहा है, और अगर वो नहीं कर पाए तो फिर एग्जाम में सिलेक्शन नहीं होगा। तो डिस्पाइट यू हैव पुट इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट थ्रू आउट द ईयर, बट एट द एंड ऑफ द ईयर इफ यू फेल टू रिवाइज स्मार्टली, यू फेल टू गेन कॉन्फिडेंस, एंड इफ यू आर नॉट हैविंग कॉन्फिडेंस देन यू आर नॉट एबल टू परफॉर्म अप टू मार्क और अप टू योर एक्सपेक्टेशन इन एग्जामिनेशन, एंड यू फाइनली लूज सिलेक्शन। आपका सिलेक्शन नहीं होता है सिर्फ एक किसी बात से। तो रिवीजन कैसे करें, किस तरह से काम करें, उसकी प्लानिंग आज करनी पड़ेगी। आपने देखा होगा मैथ्स में कोई क्वेश्चन है, आज आपने करा और आज क्वेश्चन करते वक्त तो आपके आपसे क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है, आपने फैकल्टी मेंबर से पूछा, वो आपसे हो गया, समझ में आ गया। अगर आप 2-3 महीने बाद उसी चैप्टर को रिवाइज करते हैं तो वही क्वेश्चन वापस बाद में फिर अटक जाता है, वही क्वेश्चन वहीं जाके उलझ जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम वही है आपकी, वही चीज आपको रिवाइज करनी होती है बार बार। तो उसके लिए आपको स्मार्ट हार्डवर्क करना होता है। स्मार्ट हार्डवर्क कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखो सबसे पहले नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, आप पढ़ते हैं तो आपको, आप रिवीजन कैसे करेंगे, जब रिवाइज करेंगे तो नोट्स पढ़ेंगे, पूरे पूरे वीडियो लेक्चर तो दोबारा नहीं पढ़ोगे ना जो रिकॉर्डेड है। तो मैंने उसका एक सॉल्यूशन आपको पहले बता ही दिया, CP Live में तो एक फीचर है कि जो जो पॉइंट आपको दोबारा पढ़ना उसको बुक मार्क लगाते चलो, ताकि बुक मार्क रिविजन के टाइम पे बुक मार्क वाले क्लिक 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 करके आप फटाफट सारे पढ़ लो। दूसरा आप अपने नोट्स को पढ़ो। तो नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि नोट्स के लिए पहले रफ में लिखते हैं फिर उसको फेयर करते हैं। देखो अगर आप ऐसे रफ में लिख के फेयर करोगे तो इट विल कंज्यूम योर लॉट ऑफ टाइम, और आप रफ फेयर करते रह जाओगे, समय उसमें निकल जाएगा। तो फिर मुझे एक बात बताइए, अगर आपका सारा समय उसी में निकल जाएगा तो आप न्यूमेरिकल कब सोल्व करेंगे, क्वेश्चन कब सोल्व करेंगे? अगर आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे तो जो मैंने बिगनिंग में बोला था वो स्किल कहां से आएगी आपको टाइम प्रेशर में क्वेश्चन सोल्व करने की? और अगर वो स्किल नहीं आई तो फिर आप एग्जाम में सेलेक्ट कैसे होंगे? तो इसका मतलब है कि समय हम नोट्स बनाने से बचाएं। तो उसके लिए हम किस तरह से बचा सकते हैं नोट्स बनाने से अपना टाइम? आप जो भी लिखें फिर लिखें। आपको लगता है कि नहीं सर वो बाद में पढ़ते तो कुछ पॉइंट ज्यादा बाद में याद आते हैं, अगर एक बार लिख लेते तो बाद में पॉइंट्स लिख नहीं पाते नोट्स के अंदर, तो उनको क्या करेंगे? तो उसका एक तरीका है, आपके पास अगर रजिस्टर है तो जैसे मान लीजिए मैं देखता हूँ कि कोई भी रजिस्टर मेरे पास पड़ा हुआ है क्या, मेरे पास तो कोई बुक पड़ी हुई, पर मान लीजिए रजिस्टर है मेरा, तो ये रजिस्टर मैं आपको खोल के दिखा रहा हूँ, हालांकि मेरे पास बुक है, तो केवल आप इस साइड पर लिखिए, इस साइड पर मत लिखिए, इस साइड पर आप लिखते जाइए जब आप क्लास अटेंड कर रहे हैं लाइव की, और बाद में पढ़ते वक्त अगर आपको कोई नया पॉइंट आता है तो आप यहाँ पे लिख लीजिए। आपको लगता है इससे पेपर ज्यादा वेस्ट होगा, आप ऐसे मत करिए, इतना नीचे थोड़ा पोर्शन छोड़ दीजिए, थोड़ा थोड़ा 3-4 इंच छोड़ते हुए लिखिए, ताकि बाद में उस पर्टिकुलर पॉइंट से रिलेटेड कोई पॉइंट आपको नजर आता है और आपको लगता है कि यार ये मेरे नोट्स में नहीं है, दिस शुड बी इन माय नोट्स, सो दैट एट द टाइम ऑफ रिवीजन आई शुड बी एबल टू रिमेंबर दिस पॉइंट, आप उसको तब लिख लीजिए। दिस वे यू कैन मेक योर नोट्स स्मार्टली, एंड देयर इज नो पॉइंट ऑफ राइटिंग इट अगेन एंड अगेन। सो फर्स्ट यू राइट इन द रफ शीट, देन यू राइट इन द फेयर कॉपी, ये बंद कर दीजिए, ये स्टॉप ऑल दिस थिंग्स, ये सब बंद कर दीजिए, स्मार्टली काम करिए, वरना आपका टाइम बचेगा। मान के चलिए आप ये रफ फेयर का जो काम करते हैं, मैंने देखा है बच्चों के दिन भर लग जाते हैं, बच्चा पहले क्लास अटेंड करता है, रफ में चीजें लिख लेता है, फिर फेयर करता है, पेरेंट्स को लगता है बच्चा तो हमारा बहुत पढ़ता है, हमसे बहुत बार पेरेंट्स आते हैं साहब आपका हमारा बच्चा तो बहुत पढ़ता है, पहले तो वो नोट्स लिख लेता है फिर वो कॉपी करके पढ़ता रहता है और फिर उसके नंबर नहीं आते। तो मैं बोलता हूँ पढ़ा कहाँ अभी, अभी तो रफ फेयर की दुनिया में जी रहा है भाई वो, इस साल तो वो रफ बनाता है फिर फेयर करता है, लाल पीले नीले हरे पेनों से रफ कर से फेयर करता रहता है, अभी तो उसी दुनिया में जी रहा है, अभी तो क्वेश्चन तो उसने करे ही नहीं है, क्वेश्चन करेगा तो उससे क्वेश्चन बनेंगे ना। आप क्रिकेट कैसे खेले हैं इसकी बुक पढ़कर सचिन तेंदुलकर बन जाओगे क्या बताओ? आप बोलोगे नहीं सर सचिन तेंदुलकर कैसे बनते हैं, उसके लिए नेट प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तो फिर तो खेल क्रिकेटर बनने के लिए तो नेट प्रैक्टिस, और एग्जाम में सेलेक्ट होने के लिए थ्योरी, उसके लिए क्वेश्चन नहीं करोगे, और क्वेश्चन करने का समय कहां से निकालोगे? नोट्स को फेयर करके निकालोगे। इसी तरह से DPP के सॉल्यूशन मेंटेन करिए, क्विजेस के सॉल्यूशन मेंटेन करिए, जो क्वेश्चन आपसे पहले बार में नहीं बनते हैं उनको मार्क करिए, आज से मार्क करना शुरू करिए, ताकि रिवीजन के दौरान हम उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा देखेंगे जो क्वेश्चन हमसे फर्स्ट टाइम में नहीं बने, या जो क्वेश्चन हमें लगते हैं कि वी शुड रिवाइज एट द टाइम ऑफ रिवीजन। दिस इज कॉल्ड स्मार्ट वर्क। कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं मांग रहा मैं आपसे, मैं नहीं बोल रहा कि आप ज्यादा काम करो, जितना कर रहे हो उसको स्मार्टली करो, नोट्स बना रहे हो स्मार्टली बनाइए, क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो स्मार्टली सोल्व करिए, सॉल्यूशन मेंटेन करिए। आज क्या होता है, आज हमारे दिमाग में उसके सॉल्यूशन है क्वेश्चंस के, और क्वेश्चंस के सॉल्यूशन होने की वजह से, जो क्वेश्चन हमारे दिमाग में है उनके सॉल्यूशन होने की वजह से हम उनको अच्छी तरह से कर देते हैं, परंतु वो धीरे धीरे एक दो महीने बाद और 5-6 महीने बाद दिमाग में फेड हो जाते हैं,
और उस टाइम पर जब हम रात को पढ़ाई कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, क्वेश्चन हमसे बन नहीं रहा है, परेशान हो रहे हैं, तो उस टाइम पर आपके जो पुराने सॉल्यूशन है वो काम आते हैं। तो वो ध्यान रखिए, इस तरीके से अपने नोट्स बनाइए, इस तरीके से सॉल्यूशन बनाइए। नोट्स रफ फेयर मत बनाइए, मैं समराइज करता हूँ इस पॉइंट को। सॉल्यूशन जो आप कर रहे हैं उनको फेयर रखिए, मतलब फेयर का मतलब साफ सुथरे सॉल्यूशन रखिए, ताकि वो पढ़ने पर समझ में आ जाए। जो की आइडियाज है, की कंसेप्ट है, उनको अपनी लैंग्वेज में क्वेश्चन के साथ लिख लीजिए, आगे सॉल्यूशन में हिंदी में लिख लीजिए, इंग्लिश में लिख लीजिए, जो लैंग्वेज आपको आती है उसमें लिख लीजिए, परंतु उस पॉइंट को वहां पे लिख लीजिए, ताकि रिवीजन, और उनको मार्क कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको रिवीजन में दोबारा देखने हैं। ये रिवीजन का मार्क करते वक्त ध्यान रखिएगा कि पूरी शीट के जितने क्वेश्चन होते हैं उससे 30% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं है पहला क्वेश्चन भी रिवीजन, दूसरा भी रिवीजन, तीसरा भी रिवीजन, पूरी शीट पे रिवीजन लगा दिया, तो बात तो आएगी वही आगे ना, स्मार्ट डिसीजन लेने की आदत डालिए, दैट इज कॉल्ड स्मार्ट हार्डवर्क। इस तरह से स्मार्ट प्रिपरेशन करिए, इसके बारे में फिर थोड़ा आप करिए, प्रैक्टिस करेंगे, अगले सेशन में मैं आपको फिर समझाऊंगा कि इसमें जो जो आपको चैलेंज आ रहा है उनके और इसका आंसर देंगे। नेक्स्ट लेते हैं, हाउ टू स्टडी एट होम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नाउ एट स्टडी एट होम, क्रिएट एकेडमिक एनवायरमेंट एट होम। सबसे पहले आपका एनवायरमेंट जहां पर आप पढ़ते हैं वहां पर एकेडमिक एनवायरमेंट होना चाहिए। एकेडमिक एनवायरमेंट का मतलब होता है साफ सुथरी टेबल होनी, यूज टेबल चेयर टू स्टडी, साफ सुथरी टेबल होनी चाहिए, चेयर होनी चाहिए, उसमें बैठ के पढ़िए। अभी क्या होता है, बहुत से बच्चे पलंग पे बैठ के पढ़ते हैं, आदत है सर। अरे यार पलंग मतलब आप सब अभी अपने अपने घर से, अभी तो घर से बाहर जा नहीं सकते, मोदी जी का ऑर्डर है, परंतु अगर सब घर से बाहर जाओ, जो भी पहला आदमी मिले उससे पूछो एक क्वेश्चन कि भाई साहब ये पलंग किस काम आता है। अगर कोई भी बोल दे ना पढ़ने के काम आता है, तो मैं सेशन नहीं करूंगा अगला वाला, सब बोलेंगे सोने के काम आता है, तो फिर आप पढ़ते क्यों उसके ऊपर, आपको किसी से दिक्कत क्या, मैं तो दिक्कत क्या है, आप उस पर अलगती पालकती मान के बैठ जाते हो आराम से, हमारे राजस्थान में बोलते हैं ना अलगती पालकती मान के, बिल्कुल गणेश जी की तरह बैठ जाते हो, फिर वहां पे अपने अपने पैरों पे एक तकिया रख लेते हो, इधर से किताब रख लेते हो, इधर से अपनी कॉपी रख लेते हो और पेन हाथ में ले लेते हो, वो तो किताब लुढ़क रही होती है, इधर कॉपी लुढ़क रही होती है, और कुछ देर बाद हाँ सही है बोला, हम भी लुढ़क जाते हैं, हाँ सब लुढ़क जाते हैं सब, और सो जाते हैं, दैट इज नॉट एक्टिव पोस्चर, उससे माइंड कम काम करता है। आपको एक घंटा पढ़ना, आपको नींद आ रही है तो सो जाओ यार, पलंग पे बैठ के क्यों पढ़ते हो, आराम से नींद निकालो, स्ट्रेस फ्री रहो, जब रहो एक्टिव रहो पढ़ाई करते हो, ताकि आउटपुट आए, अच्छा लगे, मोटिवेटेड फील करो आप इंटरनली, आपको अच्छा लगे, आपके जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं माइंड में वो पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज हुए हैं, वो पढ़ाई करते हैं पलंग पे पढ़ाई होती नहीं, बाद में डिसअपॉइंट होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, घर पे गुस्सा निकालते रहते हैं भाई बहनों पे, मम्मी डैडी पे, अरे आप बस आप समझते करते नहीं कितनी परेशानी चल रही है, सब क्यों हो रहा है, ये सब हो रहा है क्योंकि हमारी आदतें खराब है, हम सही आदत से फॉलो करें उसको। यूज टेबल चेयर टू स्टडी, क्रिएट एकेडमिक एनवायरमेंट होम, साफ सुथरी टेबल रखिए, टेबल पे सामने रखिए, सोल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, जितने क्वेश्चन आप सोल्व करोगे उतना आपको फायदा होगा, सोल्व एज मेनी क्वेश्चन एज यू कैन, बट क्वेश्चन सोल्व करने की एक सीक्वेंस है, जब आप सीपीएलआई की क्लास पढ़ते हो उसके बाद डीपीपी सोल्व करना है, क्विज सोल्व करना है, फिर एक्सरसाइज शीट सोल्व करनी है, जब ये तीनों काम हो जाए तो चौथी बुक जो भी आपको रिकमेंड होती है हम बता देंगे, आपको रिकमेंडेड बुक्स दे देंगे, उन बुक्स को सोल्व करना है, बट सीक्वेंस में करना है, रेंडमाइज नहीं करना है कि किसी चैप्टर के लिए कुछ एक कर लिया, किसी चैप्टर के लिए कुछ और कर लिया, कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आया तो सिलेक्शन अटक जाएगा, ध्यान रखना आप, तो आपको वो करना है। एक क्वेश्चन बहुत कॉमन है, जनेश वाला आ रहा है, कितने घंटे पढ़े, तो मैंने मजबूरी में लिख दिया 7-8 घंटे, मैं तो कहता हूं कि आपके पास पढ़ने के अलावा काम ही क्या, आपके पास 3 ही तो काम है, जितने बच्चे आईआईटी मेडिकल की तैयारी करे 3 ही काम है, 3 कौन सा, सोना, खाना और पढ़ना, इसके अलावा बताओ 14 काम क्या है आपके पास। हाँ आप टाइम खराब करते रहे तो बात अलग है, तो वैसे तो आपको मैक्सिमम जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ना चाहिए, परंतु मिनिमम 7-8 घंटे, और मैं ऐसे 7-8 आवर्स एक्टिव स्टडी बोल रहा हूँ मैं, जो लगभग 10 घंटे चेयर पे बैठने के बाद आती है ना, 2 घंटे तो अपन किताबों को सूंघने में निकाल देते हैं, जब बैठते हैं ना तो ऊपर छत पे देखना, इधर देखना, उधर देखना, उसमें निकल जाता है 7-8 घंटे की पढ़ाई, तभी निकलती है आपकी जब आप एक्टिव स्टडी आवर्स, तो करीब आपको 9 घंटे करीब बैठोगे तब 8 घंटे की एक्टिव स्टडी आवर्स निकलेंगे, तो 7-8 घंटे आपको निकालने होते हैं। आप बोलो सर स्कूल भी तो जाते हैं 7-8 घंटे, 5 घंटे वहाँ, 7 घंटे यहाँ, सर तो बच्चे की क्या जान लोगे क्या, बिल्कुल लेंगे, आपने आईटी मेडिकल की तैयारी करने की सोची है तो जान तो देनी पड़ेगी, 2 साल तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि ये करना ही है आपको, अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर भाई साहब ये तो गलत बात है ना, पढ़ाई तो हम करना चाहते, जाना तो हम आईटी में चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते, ऐसे थोड़ी होगा, पढ़ना तो पड़ेगा, और पढ़ना मुश्किल नहीं है, पढ़ते हैं लोग, इट्स नॉट डिफिकल्ट, एक बार माइंड सेट का गेम है। बहुत से बच्चे बोलते हैं सर मैं कुर्सी पे ज्यादा देर बैठ ही नहीं पाता, तो यार गोंद लगा लो उस पे,
वेट क्या नहीं पाता, आपकी आदत ही गलत है, आप उठ जाते हो, आपको खुद को पता है कि आपकी परेशानी क्या है, कि आप कुर्सी पे ज्यादा देर नहीं बैठ पाते, तो लिख लो सामने अपने टेबल के सामने कि कहाँ जा रहे हो, अपने कमरे के दरवाजे पे लिख लो कहाँ जा रहे हो, आज कम से कम 1 घंटा बैठना है कुर्सी पर, बैठे रहो, मजबूरी में बैठे रहो, मन नहीं करता बैठे रहो। एक सेशन है मेरा इसका यूट्यूब पे मैंने डाला हुआ है कि हाउ टू इम्प्रूव, हाउ टू यू नो इलोंगेट टाइम पीरियड ऑफ स्टडी, बढ़ाए कैसे जाए, आप बैठे रहो, कुछ भी नहीं हो रहा, मन नहीं कर रहा, बैठे रहो, मजबूरी में बैठे रहो, आपकी कुछ तो करोगे ना बैठकर, आपको लग रहा है नहीं मेरी तो पढ़ाई नहीं हो रही, आधे घंटे बाद मन उछट गया और 1 घंटे का सोच के बैठे थे, बैठे रहो सामने देखते रहो दीवार को, आप देखना तोड़ जी दे रहे हो, बोलोगे लो कुछ कर ही लेता हूं यार, अपना पढ़ने लग जाओगे। तो ये हैबिट्स हैं, ये बिल्ड करनी पड़ती हैं, विनर हैबिट्स बिल्ड करनी पड़ती हैं, और ये सीक्रेट है जो मैं आपको आज झूम पे दे रहा हूँ, ये यूजली हम कोचिंग में जब बच्चे आते हैं उनको बताते हैं, आज तो हम आपको पब्लिकली दे रहे हैं, आपको बता रहे हैं आप इस तरह से करिए, फॉलो इंस्ट्रक्शन गिवन बाय फैकल्टी मेंबर, जो फैकल्टी मेंबर आपको क्लास में बोल रहा है वो जरूर करिए, क्योंकि वो आपका गाड़ी चला रहा है, अब वो जैसे जैसे आपसे बोलता है वैसे वैसे करो, वो प्लेन उड़ा रहा है, अब आपसे बोलता है सीट बेल्ट बांध दीजिए तो बांध लो, नहीं तो अगर झटका लग गया ना तो सिर फूट जाएगा, है ना, ध्यान रखिए, तो वो उसको सब पता है कि क्या कर रहा है, तो आप उसको फॉलो करिए। मैं देखता हूँ कभी कभी हम प्रोएक्टिवली ज्यादा एडवाइस देते हैं, सर ये कर ले वो कर ले, उनको सब पता है, वो तो बहुत एक्सपीरियंस लोग हैं, आपका फीडबैक बहुत वैलिड है, हम सुनते हैं, परंतु हम उसको अगर रिलेवेंट होता है तो हाथों इनकॉर्पोरेट करके आपको बोल देते हैं कर लो, और हमें लगता है रिलेवेंट है, रिलेवेंट नहीं है, तो हम आपको बोलते हैं वही फॉलो करते रहो जो करते रहो। देखो थोड़ी सी तो हम एज ए टीचर हैं तो हमारी आदत तो रहेगी रहेगी कि हम चाहे कोटा बैठे हुए हैं परंतु हम यहाँ से आपको डांट लगाते रहेंगे, हम आपको यहाँ से फटकारते रहेंगे, क्योंकि आप कहीं भी बैठे हो तो आप हमारी क्लास में, हम तो आपको भी जैसे भी आप सब बैठे हो, तो मुझे तो आज केरेपॉन का सेमिनार हॉल ही याद आ रहा है, वहां पे 1000 बच्चे मेरे सामने बैठे रहते हैं और मैं उनको बिल्कुल इसी तरह से बात करता हूँ जैसे आपसे बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सहज हूं मैं, 1% ऐसी कैसी बातें करता हूँ उन लोगों के साथ, तो आपके साथ मुझे वही मजा आ रहा है बात करने में जो उनके साथ आता है, तो आपको ये करना है। चलिए इसके बाद हमारे पास है डोंट रिपीट द सेम थिंग अगेन एंड अगेन, ये हमारी बोर्ड की प्रॉब्लम है, हमने बोर्ड में क्या लिख लिख कर याद करा, लिख लिख कर याद करा, एक ही चीज को 10 बार लिख लो, बल्कि हमारे तो टीचर भी यही बोलते थे याद नहीं हो रहा लिखो 10 बार लिख कर लाना, सजा भी यही मिलती है, स्कूल में कुछ गड़बड़ कर दो कल इसको 10 बार लिख कर लाना। देखो अपन को थ्योरी याद नहीं करनी है तो हमें लिख लिख कर याद नहीं करना, हमें क्या करना है उसकी एप्लीकेशन समझनी है, तो हमें एक ही चीज को बार बार करने से कोई फायदा नहीं है। 1 से लेकर 10 तक गिनती आ गई, आपको आ गई ना 10 तक गिनती, तो 11 से सीखो ना, उसको बार बार 1 से 10 लिखने से फायदा क्या होगा। आपने मान लीजिए कुछ चैप्टर पढ़ा, मान लीजिए कुछ देर के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आपने डीपीपी कर लिया, एक्सरसाइज शीट कर ली, क्विजेस कर ली, एक बुक कर ली, दो बुक कर ली, उसके बाद तीसरी, भाई क्यों कर रहे हो, मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हो, ग्रोथ रुक जाती है। मैंने गलती करी थी आईआईटी की तैयारी में, मेरे मैथमेटिक्स मेरा बहुत फेवरेट सब्जेक्ट है, अब मेरे को मैथमेटिक्स बहुत मजा आता था, तो एक बुक लिया कर ली फेंक दी, अपने आपको फील करा खत्म कर दी किताब, दूसरी लिया वो भी कर दी फेंक दी, तीसरी लिया वो भी कर दी, और केमिस्ट्री को टाइम ही नहीं दिया इस वजह से। मेरी बिगेस्ट मिस्टेक थी केमिस्ट्री नहीं पढ़ना, मतलब मेरी सबकी अलग अलग होती है तो सबकी केमिस्ट्री नहीं होता है, मैथमेटिक्स ही मैथमेटिक्स करते रहे साल भर तक, अब उससे क्या हुआ यार, वो कैलकुलस तो कैलकुलस ही रहेगी ना, एक बार में अगर आपको समझ में आ गई तो उसको यू कांट चेंज, बट इफ यू आर नॉट स्टडिंग केमिस्ट्री यू विल लूज मार्क्स इन केमिस्ट्री, केमिस्ट्री में कैलकुलस के क्वेश्चन तो नहीं आएंगे ना, और आपको कैलकुलस ज्यादा आती है, मान लो कैलकुलस ज्यादा आती है मैथ्स में, तो उसका मतलब थोड़ी कि केमिस्ट्री में नंबर मिल जाएंगे, तो वो टाइम को बचाइए, देखिए कि कहां पर सफिशियंट लर्निंग हो चुकी है, और जैसे वो लर्निंग होती है स्टॉप इट एंड इन्वेस्ट योर टाइम ऑन समथिंग एल्स, डोंट रेफर मेनी बुक्स, आई ऑलरेडी एक्सप्लेन कि सिस्टमेटिकली बुक्स को रेफर करना है, डोंट वेस्ट टाइम इन गॉसिपिंग, वॉचिंग टीवी एटसेट्रा, थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट के लिए जरूरी है, परंतु तो ये नहीं कि गप्पे लड़ा रहे हैं, COVID-19 की बातें कर रहे हैं, मैं देखता हूँ अभी टेलीग्राम ग्रुप में मुझे कभी कभी क्लास 11 JEE वाले बैच में मुझे कभी कभी बहुत नाराजगी होती है कि वहां पर लोग जो होते हैं वो फिजूल की बात ही कर रहे होते हैं, टाइम पास करे यार, एनर्जी ना आपको पढ़ाई में लगाओ, पढ़ाई में लगाओ अच्छा रहेगा, तो डोंट वेस्ट टाइम, डोंट स्टडी विथ फ्रेंड ऑन द सेम टेबल, स्टडी विथ फ्रेंड बट नॉट ऑन द सेम टेबल, अगर आप सेम टेबल पे बैठ के पढ़ोगे तो आप कुछ देर में बातें करने लग जाओगे, तो आप अलग अलग टेबल पे पढ़ो, सेम टेबल पे डिस्कशन होता है, पढ़ाई नहीं होती, ऑलराइट, एंड मैनेज योर टाइम एंड वर्क अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटीज, प्रिपेयर द टाइम टेबल एवरी डे इन द नाइट, प्रिपेयर द टाइम टेबल की कल क्या क्या करना है उसको लिख लीजिए, 100% कभी भी पूरा नहीं होगा, ध्यान रखना कभी पूरा नहीं होता। अभी मैं आपको बताऊं मेरी टास्क लिस्ट में अगर खोल के दिखाऊं, ये मेरी टास्क लिस्ट पूरे का पूरा पेज भरा हुआ है, जाने कितनी टास्क लिस्ट पड़ी है मेरे आजू बाजू में, अगर मेरी टेबल देखता हूँ ये भरे भरे कागज सारे के सारे, कभी पूरे नहीं होते, पूरी जिंदगी निकल जाएगी, काम खत्म नहीं होगा, परंतु फिर भी लिखता हूँ, क्यों, क्योंकि ये ऑर्गेनाइज करता है, प्रायोरिटी मिल जाती है कि अब कल प्रायोरिटी में काम कौन सा करना है,
तो आप भी लिखिए काम क्या क्या करने हैं आपको, ताकि आपको सुबह सुबह आइडिया लग जाएगा कि आज मुझे ये काम करने, प्रायोरिटी करके उनको हमको करिए, हाउ यू शुड स्टडी एट योर होम, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको आज का इस सेशन में रिकॉर्डेड देखना हो तो हम रिकॉर्डेड को अपने ऐप में डाल देंगे, तो ऐप पर भी आप इस रिकॉर्डेड सेशन को दोबारा फिर सुन सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो भी। वैसे तो अभी शैलेंद्र क्वेश्चन लेगा लेगा। अब लास्ट चीज जो मेरे पास बची है वो है पॉजिटिव थिंकिंग एंड कॉन्फिडेंस। देखो कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थिंकिंग प्लेज वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एनीथिंग यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। अगर आपका मन और दिल कहता है कि यू कैन, देन यू कैन, आपकी दिल की इच्छा बोलती है कि हाँ आप कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं, पर अगर आपकी दिल की इच्छा ये बोलती कि नहीं मेरे से नहीं होगा तो आपसे कभी नहीं होगा। तो कॉन्फिडेंस, अब कॉन्फिडेंस की गोली नहीं आती ना मार्केट, थोड़ी की कॉन्फिडेंस की मार्केट में जाके रोजाना गोली ले लो, सुबह दूध के साथ, शाम को दूध के साथ, तो सुबह उठने के पहले और शाम को जगने के सोने के बाद, ऐसे तो कुछ नहीं आती नहीं है, कोई गोली तो आती नहीं है। कॉन्फिडेंस तो बिल्ड करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज होती थोड़ी है। कॉन्फिडेंस तो परिस्थितियों के अनुसार आदमी की सोच है। किसी आदमी को लगातार 5 फेलियर हो गए तो उसको ये लगता है कि यार दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली आदमी नहीं हूं, उसका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है। हम कहते हैं ना कि यार इसका कॉन्फिडेंस ही खत्म हो गया, उसको ऐसा लगता है, साइकोलॉजिकल है। तो यू हैव टू बिल्ड योर कॉन्फिडेंस, आपको काम करना पड़ेगा, कोई आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने आएगा नहीं, ध्यान रखना। ये दुनिया बड़ी निर्दयी है, बहुत निर्दयी है दुनिया। अगर आपको किसी से जाके बोलो कि मेरा सिलेक्शन होगा और 10 बार बोलो कोई नहीं सुनेगा, एक बार बोल के देखना मेरा नहीं होगा, सब बोलेंगे बिल्कुल सही नहीं होगा, आप एक बार बोल के देखना, सब बोलेंगे नहीं 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 होगा तेरा, उसका भी नहीं होता, उसका भी नहीं होता, तो कहां लगता है तेरा तो कुछ भी प्रिपरेशन है, वो भैया ने तो क्या तैयारी करी थी, 95% मार्क्स आए थे उसके, तो उसका ही नहीं हुआ तेरा क्या होगा। लोग बल्कि किससे सुना जाएंगे फेलियर के, आपको डर फैला जाएंगे, दहशत फैला देंगे आपके दिमाग में, उसके जाने के बाद आपकी हालत खस्ता कर देंगे, ऐसे नहीं होता। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है, कॉन्फिडेंस की स्ट्रेटेजी होती है, पॉजिटिव सोचने की आदत डालनी पड़ती है, आदत डालनी पड़ती है पॉजिटिव सोचने की। आपको हर चीज में अच्छी चीज ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए कि अच्छा क्या है, COVID-19 है बुरा बहुत है, अच्छा क्या है, टेक्नोलॉजी आ गई। मैं जब से COVID-19 का ये ब्रेक लॉकडाउन हुआ है तब से मैं टेक्नोलॉजी पे लगातार काम कर रहा हूं, और मैं सब लोग हो सकता है कि दुनिया बोल रही है हमारे पास काम नहीं है, मेरे घर पर अगर आप पूछो, मेरी मैडम को शिकायत है, मेरी मम्मी को शिकायत है, क्या तेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि टेक्नोलॉजी के थ्रू मैं आज पूरे बच्चों पे पहुंच सकता हूं। पहले मुझे लोगों को समझाने में शायद तकलीफ होती कि टेक्नोलॉजी से मैं आप लोगों से बात करके आपको समझा सकता हूं और आपके घर पे वही क्वालिटी कोचिंग जो आपको किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिलती है वो दे सकता हूं, उसको समझाने में मुझे लोगों के दिमाग से जूझना पड़ता, परंतु COVID-19 ने उसको सहज कर दिया, उसको एक्सेप्टेबल कर दिया लोगों के दिमाग में कि हाँ ये हो सकता है, ये उसका पॉजिटिव साइड है। इसको नेगेटिव साइड है मैं नहीं बोलता, और नेगेटिव साइड बहुत बुरा है, भगवान करे जल्दी से जल्दी खत्म हो, सब कुछ प्रॉब्लम खत्म हो, परंतु पॉजिटिव साइड भी है। कॉन्फिडेंस बिल्ड करना पड़ता है, जैसे मैं आपसे बोल रहा था, छोटे छोटे जो क्वेश्चन आप करते हैं ना, अगर आपसे बनता है शाबाशी दो, अपने सेलिब्रेट करो ईच, बल्कि अगर पेरेंट्स भी हैं अगर इस पर अभी सेशन में, तो मैं पेरेंट्स को बोलूंगा फॉर स्मॉल अचीवमेंट ऑफ योर चाइल्ड शुड बी सेलिब्रेटेड लाइक इट इज अ बिग अचीवमेंट, उससे उसको कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, कोई बच्चा जो क्लास 4th में जो टॉप करता है, वही बच्चा 5th में, 6th में, 7th में, हर क्लास में टॉप करता जाता है। 4th-6th के सिलेबस में होता क्या है, परंतु होता क्या है कि जब वो 4th क्लास में, मान लो क्लास में टॉप करा, घर पर आता है, मम्मी को बोलता है मम्मी मेरी फर्स्ट रैंक आई, तो मम्मी भी लाड़ दुला करके और पीठ थपथपा देती है, पापा भी पीठ थपथपा देते हैं, दादा दादी भी पीठ थपथपाते हैं, चाचा चाची भी पीठ थपथपाते हैं, और अगर पास पड़ोस के कोई अंकल घर पे आए तो उनको बोलते हैं देखो मुन्ना आना फर्स्ट रैंक आई इसकी, वो भी पीठ थपथपा जाते हैं, उसको लगता है यार मेरे तो बहुत ताकत है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, और फिर वो उस कॉन्फिडेंस की ताकत पर 5th-6th में पढ़ता जाता है, वो उस कॉन्फिडेंस की साइकिल में चला जाता है। आपको उस कॉन्फिडेंस की साइकिल में एक बार एंट्री मारनी है। डोंट कंसीडर यू आर वीक देन किसी दूसरे से आप कमजोर हैं, या आप अपने आप को मत समझिए। आपकी अभी क्या होता है, अभी बहुत सारे बच्चे अपने साथ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, अभी मैं आप सबसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अपने जहन में सोचना कि आपकी क्लास में इस साल 10th के बच्चे हैं तो 10th में, और 12th के बच्चे हैं 11th के बच्चे 11th में, कौन टॉप करेगा, सोचिए 2 मिनट के लिए। आपके दिमाग में, सबके दिमाग में आंसर है इसका। हो सकता है कि बहुत कम बच्चों के दिमाग में ये आंसर होगा मैं करूंगा, आपको पता है कि कौन करेगा, क्योंकि आपको अपने आप में विश्वास ही नहीं है कि मैं भी कर सकता हूं। बहुत कम बच्चे होते हैं, सबको पता है नहीं वो करेगा, वही करता आ रहा है वही करेगा, हम तो ऐसे ही हैं, फिर आप क्या करने जाते हैं स्कूल में, मतलब बल्कि और तो छोड़ो तो छोड़ो, आप अभी 10th से 11th में जाओगे तो आप बता दोगे यार इसका तो सिलेक्शन IIT में जरूर होगा,
मेरा तो हो ना हो इसका तो होगा, आपको उस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस है, खुद पर कम है। क्यों? क्योंकि आप उस साइकिल में एंट्री नहीं करे हो, एंटर करिए, स्टार्ट थिंकिंग, थिंक पॉजिटिव, एज यू थिंक सो शैल यू बी। ये बहुत फेमस कहावत है कि जैसा आप सोचोगे वैसा आपके साथ होगा। सो ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, हर स्थिति में पॉजिटिव सोचिए। पॉजिटिव सोचने के मैं इसका बड़ा अच्छा सेशन होता है, मैं आज आपका टाइम नहीं लूंगा, पॉजिटिव थिंकिंग कैसे बिल्ड करी जाती है इसका सेशन में सीपी लाइव में आपसे आगे लूंगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताऊं, मेरी जिंदगी में तो मैंने जो कुछ भी करा है, पाया, जो भी छोटा मोटा मैंने बड़ा है, बड़ा हुआ, जो भी मैंने तो टायर के गोडाउन से कैरियर पॉइंट की शुरुआत करी है। 51 बच्चे थे मेरे पास किसी जमाने में, और बहुत छोटा 25,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट करा था, वहां से आज कैरियर पॉइंट कोचिंग फॉर इंडिया में चलाता है, टेक्नोलॉजी में काम करते हैं, यूनिवर्सिटीज है, स्कूल है, सब वहीं से शुरुआत हुआ। तो मैंने तो एक ही चीज समझी इस पूरे प्रोसेस में कि सिर्फ और सिर्फ जो मैजिक हुआ है वो कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग का हुआ है और स्मार्ट वर्क का हुआ है। स्मार्ट वर्क आप करना चाहिए, हार्ड वर्क करना, हार्ड वर्क का सब्स्टिट्यूट नहीं है, बट स्मार्टली काम करा और ये सब आगे बढ़ा। सो आगे बढ़ते हैं, तो बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर ओन कैपेबिलिटी, स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ, जस्ट स्टार्ट बिलीविंग इन योर सेल्फ। अंदर से आवाज आनी चाहिए, कोई भी चैलेंज आए, आई कैन, आई विल, मैं कर लूंगा, मैं कर सकता हूं। अगर आपको ये अंदर से आवाज आएगी, आप मान के चलिए कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता जाएगा, बिकॉज कॉन्फिडेंस गवर्न योर एक्शन, एक्शन कंट्रोल योर एफिशिएंसी। अगर आप में कॉन्फिडेंस है तो आप एक्शन ओरिएंटेड होंगे, एक्शन ओरिएंटेड है आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, और एफिशिएंसी बढ़ गई तो आउटपुट बढ़ जाएगा, और आउटपुट बढ़ गया तो कॉन्फिडेंस फिर बढ़ जाएगा, और ये साइकिल चालू हो जाएगी। और एक बार साइकिल में गए, IIT नीट तो छोटे मोटे एग्जाम है, आप यू ही निकाल दोगे, और फिर हमारा तो सपोर्ट आपके साथ ही। सो दिस हाउ यू शुड बिल्ड योर कॉन्फिडेंस एंड ऑलवेज हैव फेथ इन द सिस्टम। जिस सिस्टम में आप पढ़ रहे हो उसमें आपको ट्रस्ट रखना जरूरी है, क्योंकि अगर आप मिसट्रस्ट कॉन्फिडेंस को सबसे पहले किल करता है। अगर आप में और आपके फ्रेंड में मिसट्रस्ट है तो आपको उसकी कोई भी बात पे कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। तो कॉन्फिडेंस सबसे पहले किल होता है मिसट्रस्ट की वजह से। तो आप सीपी लाइव में पढ़ते हैं, पूरी दिल से तसल्ली से उसको पढ़िए, पूरा उसको अंदर अपने ध्यान में ले लीजिए, मान के चलिए कि ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन मेरे को मिल रहा है। वैसे भी मान के चलना है ये सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है भी सही, ये मुझे मिल रहा है और मैं इसके थ्रू अपनी तैयारी को आगे बढ़ाता रहूंगा, ताकि जो भी समय आप पढ़ें, पूरा पढ़ें, एक महीना पढ़ें, उस समय का आपका माइंड फ्रेम लर्निंग साइड पर फोकस हो, न कि एक्सक्यूज फाइंडिंग पर, और आप आगे बढ़ते रहे। तो ये पॉजिटिव थिंकिंग का रोल इसमें होता है। तो ये मेरे 3 पॉइंट थे, और मैं बुलाता हूं कि मान के चलता हूं कि बाय जॉइनिंग कैरियर पॉइंट लाइव यू हैव चूजन द राइट गाइडेंस, एंड आई एम श्योर, क्योंकि मैंने सबसे पहले आपसे गाइडेंस की बात करी थी, एंड आई एम श्योर विद अस यू विल डू स्मार्ट हार्ड वर्क। हम तो हार्ड वर्क करेंगे विद पॉजिटिव एटीट्यूड, एंड एट कैरियर पॉइंट वी बिलीव, फर्मली बिलीव दैट नथिंग इज इम्पॉसिबल। So your selection in JEE and NEET. So this is about today's session. मैं भी शैलेंद्र को बोलूंगा आपके क्वेश्चन से नोट करें, तो क्वेश्चन आंसर लेगा, तो लेट्स मूव टू द क्वेश्चन आंसर सेशन। मैं चाहूंगा कि शैलेंद्र की अगर कुछ क्वेश्चन हैं, शैलेंद्र कुछ पिकअप करें तो वो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है। और शैलेंद्र एक सेकेंड, जिन बच्चों के और भी डाउट है, पेरेंट्स के डाउट है, वो चैट में लिख सकते हैं, मैं स्क्रीन शेयर को बंद कर रहा हूँ फॉर टाइम बीइंग। आपको अगर फिर भी कोई क्वेश्चन बच जाता है तो support@cpl.in पर आप हमें लिख सकते हैं, हम आपके क्वेश्चंस का जवाब वहां पर दे देंगे। तो शैलेंद्र, ओवर टू यू। हाँ, थैंक यू सर। बहुत से स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस हैं ड्यूरिंग दिस सेशन, मैंने अभी नोट किए, मैं क्वेश्चंस ले रहा हूँ रिपीटेडली। कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कई स्टूडेंट्स ने पूछे हैं, जैसे राजीव, गैलेक्सी, J7, दीपक, इन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि सर लास्ट कोचिंग में हमारा क्लास 11th का सिलेबस पूरा नहीं हुआ। इसी तरह के क्वेश्चंस थे कि 11th अच्छा नहीं हुआ, तो अब हम कैसे कवर करेंगे 12th के साथ। तो प्लीज देखिए, अभी तो आप 12th का सिलेबस पढ़ी है, सीपी लाइव में आपको 12th का सिलेबस का जो हमारा प्लानिंग है वो सेप्टर एंड में, हम सेप्टेम्बर एंड तक हम आपका पूरा कंप्लीट करा देंगे। हमारा सिलेबस का प्लानिंग हम पीछे चल रहे हैं, अभी धीरे धीरे हम आपकी क्लासेस का लोड बढ़ाएंगे, और लोड बढ़ाकर उसको पैसा थोड़ा सा पेस बढ़ाएंगे। अभी हमने स्लो रखा हुआ है, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप टेक्नोलॉजी से और पूरे सिस्टम से एक्वेंट हो जाए और किसी का कुछ मिस ना हो। एक बार वो बढ़ाने के बाद फिर हम आपको जो क्लास 11th के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो तो हम आपको पढ़ाएंगे बाद में, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनको हम आपको पढ़ाएंगे, और उसके अलावा जो और टॉपिक हैं उनके वीडियो लेक्चर हम आपको डाल देंगे। हम प्लान कर रहे हैं कि उसकी रिवीजन टेस्ट सीरीज आपकी चालू कर दें, आपके डाउट सेशन चालू कर दें, तो विल टेक केयर ऑफ योर क्लास 11th सिलेबस ऑल्सो। इम्पोर्टेंट टॉपिक वी विल टीच After class 12 syllabus is completed, and few topics video we will give you to study at your own pace, because सबकी अलग अलग requirement है। किसी को let's say projectile समझ में नहीं आया physics में, तो किसी को rigid body नहीं आया, तो किसी को fluid समझ में नहीं आया, तो उन सब videos को हम आपको available करा देंगे, तो आप उनसे अपने pace पर पढ़ लीजिएगा, doubt solve हम आपके कर देंगे, और हम 100% ये काम आपके लिए कर देंगे, इसकी आप चिंता बिल्कुल मत करिए।
इनके लिए एक क्वेश्चन अभी जस्ट पूछा है कि सर आईआईटी की तैयारी के लिए आपकी क्लासेस हो रही हैं, तो मैं स्कूल का सिलेबस मेरा कैसे कवर होगा 11th का 12th का, ये बोर्ड से रिलेटेड इस तरह की क्वेरीज भी स्टूडेंट्स की आ रही हैं, और कई स्टूडेंट्स के हैं, तुहिन का है, दीपक का है, आदित्य का है, तो ये बोर्ड से कंसर्न जो स्टूडेंट्स का है ये भी एक प्लीज आप आंसर करें। आपका बोर्ड का सिलेबस ऑलरेडी कंप्लीट हो रहा है, सिलेबस बिल्कुल सेम है जो हम आपको आईटी और नीट में पढ़ा रहे हैं। साथ में हमने कल ये डिसीजन लिया है, क्योंकि हमें ये बात हमें फीडबैक मिल गया था, तो कल हमने डिसीजन दिया है कि हर चैप्टर के एंड में हम आपको बोर्ड के क्वेश्चंस एंड सॉल्यूशंस भी देंगे। हर चैप्टर जब खत्म हुआ तभी एक्सेल शीट जो दे रहे हैं हम आपको वो तो नीट और आईटी की दे रहे हैं, उसके बाद हम आपको बोर्ड के क्वेश्चन है उसके सॉल्यूशन की एक्सेल शीट भी देंगे, तो जो हम आपको करने के लिए बोलेंगे तो उसमें आपका सारा बोर्ड का कवर हो जाएगा। वी आर टेकिंग केयर ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन ऑल्सो, एंड क्योंकि बोर्ड के क्वेश्चन का ओरिएंटेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है तो वो भी हम आपके लिए वहां पर ले आएंगे। दिव्या ने क्वेश्चन पूछा है कि क्या सर हमें जेई के लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा, क्योंकि जिस तरह से COVID-19 की वजह से सेशन लेट हुए हैं, तो क्या वो सफिशिएंट टाइम मिलेगा? तो वैसे तो ये बहुत सारी चीजें अभी आपने कवर कर दी, लेकिन फिर भी इस स्पेसिफिक क्वेश्चंस को मैं आपके लिए ट्रांसफर कर रहा हूं। शैलेंद्र, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन प्लीज? हां, क्या हमें जेई की लिए सफिशिएंट टाइम मिलेगा? जैसे लेट हो गया है सेशन, तो क्या सफिशिएंट टाइम मिलेगा? मतलब 2021 के लिए? हाँ नहीं, yes. नहीं, आपको टाइम 2021 का एग्जाम तभी होगा जब होगा। देखो, ये मैं एज ए मैं दो यूनिवर्सिटी का चांसलर हूँ, और मुझे जो यूनिवर्सिटी सिस्टम से जो समझ में आ रहा है वो ये है कि अगला सेमेस्टर को टाइट करा जाएगा, परंतु उसके अगला सेमेस्टर राइट टाइम पे लेकर जाया जाएगा, और उसके बाद सारा कैलेंडर सही करा जाएगा। गवर्नमेंट कतई ये नहीं चाहती कि सिस्टम को डिले करा जाए इस साल, क्योंकि परिस्थिति ऐसी कि इस साल का सिस्टम डिले हो रहा है, बट अगले साल आपको आगे कोई भी एग्जाम पोस्टपोन नहीं होगा। आप ये मान के चलिए आपका बोर्ड एग्जाम मार्च में होता है तो मार्च में ही होगा, आपका जेई का एग्जाम जेई मेन का एग्जाम अप्रैल में, और जेई एडवांस का एग्जाम मई में होता है, और नीट का एग्जाम जहां मई में होता है वही आपके एग्जाम होंगे, उनमें कोई चेंज नहीं होगा। तो आपको आप ये सोच के चले कि अभी एक महीना खराब हो गया तो एक महीना बाद में मिलेगा, नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आप सीपी लाइव की क्लासेस को पूरी सिंसियरिटी से पूरी ताकत से पढ़िए, ताकि ये चैप्टर आपको दोबारा पढ़ने का मन में ना रखिए। ये बिल्कुल सही चला रहे हैं, पर हम भी यही सोच के पढ़ाते हैं आपको। बल्कि जो लोग अभी इस तरह से पढ़ रहे हैं, मैंने देखा है कि कुछ लोग इस तरह के हैं कि हम बाद में कर लेंगे, तो वो नुकसान में चले जाएंगे इस बार। बहुत सारे स्टूडेंट्स, मैं मतलब नाम नहीं ले सकता, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, वो टाइम टेबल के बारे में आपसे जानना चाहते हैं कि सर पढ़ाई के लिए परफेक्ट टाइम टेबल कैसे बनाया जाए। ये क्वेश्चन है ना, मुझे मेरी डॉटर ने भी पूछा था कल रात को, और ये क्वेश्चन क्या बड़ा पर्सनलाइज और स्पेसिफिक है। मैं दो तीन केस लेकर, अलग अलग जो हैबिट्स होती है स्टूडेंट्स की, उनको लेकर इसका जवाब देता हूँ। कुछ स्टूडेंट्स को सुबह जल्दी उठने में तकलीफ नहीं होती, ये कुछ ही होते हैं, मेजोरिटी को होती है। तो जिनको जल्दी उठकर पढ़ने में तकलीफ नहीं होती वो सुबह उठें, क्योंकि माइंड बहुत फ्रेश होता है और उस टाइम पे पढ़ने का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है। अभी तो आपकी छुट्टी है, अभी तो आपको कहीं जाना नहीं है स्कूल में, आपके पास दिन भर है, तो टाइम टेबल क्यों पूछ रहे हैं आप मुझसे? आपको करना क्या पढ़ाई करने के अलावा? आप दिन भर पढ़िए, ठीक है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, रात को सोते वक्त सबसे पहले आप अपना काम लिखिए कि आपको क्या क्या करना है, उसमें प्रायोरिटी करिए। सुबह जल्दी उठते हैं तो आप सबसे पहला काम सबसे पहले करिए। फिर दिन में आपको सुबह का टाइम होना चाहिए, जल्दी उठने वालों का, मान लीजिए कोई 5 उठता है तो 5 से 8 पढ़िए, 8 से 10 करीब 10-10:30 का ब्रेक लीजिए, फिर 10:30 से 12:30 पढ़िए, 12:30 से फिर आप खाना खाइए, 1 घंटे का रेस्ट करिए, उसके बाद 2:30 बज जाएंगे आपको, फिर 2:30 से 5:30 बजे तक पढ़िए, फिर 5:30-6 तक, 6 से लेकर 8-9 तक का 8 बजे तक का ब्रेक लीजिए, और फिर 8:30-9 बजे से लेकर 12 बजे तक पढ़िए या 11 बजे तक पढ़िए, क्योंकि आप सुबह 5 उठते हैं, 6 घंटे आप सो जाइए। ये साइकिल, इसी तरह का साइकिल सबका शिफ्ट हो जाएगा। अगर कोई सुबह 8 बजे उठता है तो उसको 8 से 10 तैयार होके 10 बजे पढ़ना पड़ेगा, परंतु वो 8 बजे उठेगा तो फिर रात को उसको थोड़ा देर तक पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए फिर जो टाइम है वो रात को 1-2 बजे तक का जाएगा, और रात को 1-2 बजे तक पढ़ना है, 6 से 7 घंटे की आपको स्लीप रखनी है। क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट ज्यादा पढ़े, कौन सा सब्जेक्ट कम पढ़े, और सब लोग सीधी से एडवाइस देते हैं सारे सब्जेक्ट को बराबर पढ़िए, सब लोग यही आपको जवाब देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट को बराबर पढ़िए, 7 दिन के पीरियड में सारे सब्जेक्ट को आप बराबर पढ़िए, डेली सारे सब्जेक्ट बराबर नहीं पढ़े जा सकते। मान लीजिए कल आपको फिजिक्स की शीट को डिस्कस करना है,
तो आज आपको फिजिक्स को टाइम ज्यादा देना पड़ेगा, आपके पास चॉइस नहीं है। तो ये नहीं कि मैं फिजिक्स 1 घंटे पढ़ूंगा फिर केमिस्ट्री उठूंगा, ऐसे नहीं कर सकते। एक तीसरी टीचिंग स्टडी में एक बात होती है कि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है आप देर रात तक पढ़ते हैं, तो जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है उसको उस टाइम पे पढ़िए जब आपको मैक्सिमम बोरिंग होती है, बोरियत होती है, उस टाइम पर पढ़िए, ताकि आपके उस टाइम पे बोरियत वाला जो टॉपिक आपको मोस्ट डिफिकल्ट लगता है उसको बोरियत वाले टाइम पे मत पढ़िए। मतलब जो आपको सबसे इजी लगता है, सबसे पसंदीदा सब्जेक्ट है, उसको उस टाइम के स्लॉट में ले जाइए जहां पर आपको बोरियत ज्यादा होती है, ताकि आपको पढ़ने में आ जाए। और वैसे मैं कोशिश करूंगा अपने कंसेप्ट सेक्शन में या अबाउट कोर सेक्शन में एक आइडियल टाइम टेबल 1-2 दिन में बनाकर अलग अलग केस के लिए बनाकर डाल दूं, जो सीपी लाइव के उसमें आपको मिल जाएगा। एक वैद्य रजा देवा ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, क्लास 11th के ये स्टूडेंट्स हैं, इनकी चैट से ऐसा लग रहा है कि सर फिजिक्स में हमें वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का जरूरत पड़ने लग जाती है और वो हमारे मैथ्स के सिलेबस में बाद में होते हैं, तो वो हम कैसे कवर करें, मतलब उसमें हमें दिक्कत आती है, तो प्लीज। कौन सी क्लास के स्टूडेंट है ये? 11th के। नहीं, 11th के तो चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, वहां तो हम अभी आपको वेक्टर्स पढ़ा ही रहे, तो आपको चिंता, हम तो फिजिक्स आगे बढ़ाने के पहले आपको वेक्टर्स पढ़ा रहे हैं, उसके बाद बेसिक कैलकुलस पढ़ाएंगे और डिफरेंशिएशन डिफरेंस इंटीग्रेशन पढ़ाएंगे, तभी हम मोशन डायमेंशन शुरू करेंगे। आपको याद होगा कि 2 दिन पहले सर ने अनाउंस कर दिया था कि मैं मोशन डायमेंशन शुरू कर रहा हूँ। हम डेली एकेडमिक मीटिंग करते हैं, हम डेली ये देखते हैं कि हम आपको बेहतर से बेहतर किस तरह से आपको इफेक्टिवली आपको बढ़ा सकते हैं, और हमने डिसीजन लिया कि नहीं, हम वेक्टर और कैलकुलस पढ़ाकर ही मोशन डायमेंशन में जाएंगे, तो क्लास 11 के स्टूडेंट को तो दिक्कत है ही नहीं, उनका तो टेक केयर हम कर रहे हैं। क्लास 12th के स्टूडेंट को ये दिक्कत थोड़ी हो सकती है अगर आपने 11th में ये चैप्टर नहीं पढ़े हुए हो तो। और मुझे लगता है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है ये क्लास 12th के स्टूडेंट का ही होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसे शुरू हुआ होगा तो वहां पर थोड़ा बहुत वेक्टर आ जाता है। इसके लिए आपको एक सोल्यूशन मैं निकालता हूँ, हमें 2-3 दिन का टाइम दीजिए, हम आपको कुछ रिकॉर्डेड वीडियो इन चैप्टर्स के आपके सेक्शन में सेल्फ पेस्ट लर्निंग के लिए डाल देंगे, तो आप वहां से उन चैप्टर को पढ़ लीजिएगा और कोई भी डाउट हो तो फैकल्टी मेंबर से पूछ लीजिएगा, ताकि वो आपको समझ में आ जाए। तो ये मैं नोट करा देता हूँ, अगर हमारे एकेडमिक टीम मेंबर भी यहाँ पर कोई है तो इस पॉइंट को नोट कर ले, और हम कोशिश करेंगे कि हम क्लास 12th के बच्चों के लिए रिकॉर्डेड सेशन डाल दें, क्योंकि क्लास 12th में पढ़ाया नहीं जाता और मैथमेटिक्स वाले तो कुछ दिनों में इसको पढ़ ही लेंगे, तो उनकी जो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली खत्म हो ही जाए। देखिए ये भी पावर टेक्नोलॉजी की है, अभी आप क्लास 12th में हैं, नीट के या मैथ्स के स्टूडेंट हैं और आपको 11th का पोर्शन नहीं आता है, 12th का सिलेबस और आपको ही नहीं आता है, आप में से 20% को नहीं आता है, बाकी सबको आता है। अगर आप रेगुलर क्लास में पढ़ रहे होते तो आपको कोई सहायता किसी भी तरीके से नहीं कर सकता, आपका तो फिर भगवान पे भरोसा रखना पड़ता, आपको खुद को ही पढ़ना पड़ता। पर टेक्नोलॉजी की एक ताकत है कि आपकी प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन मिलता है, यही खास बात है, यही मुझे बहुत एक्साइट करती है कि टेक्नोलॉजी पर्सनलाइज लेवल पे चली जाती है आपकी। एक्चुअली एग्जाम पढ़ाई क्या होती है, पढ़ाई पर्सनल लेवल पर होती है, मेरी पर्सनल प्रॉब्लम को जो हैंडल कर दे, मेरी पर्सनल इशू को जो एड्रेस कर दे, तो मेरी ग्रोथ चालू हो जाए। अब हर बच्चे की पर्सनल प्रॉब्लम अलग अलग है, किसी की कुछ है किसी की कुछ है, परंतु जो मास क्लास होती है 200 बच्चे बिठाकर एक क्लास लग रही है उसमें वो संभव ही नहीं है, असंभव काम है वो। उसमें तो वो जो मतलब मैं क्या बोलूँ, केवल जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन पर टीचर का फोकस रहता है, और बाकी जो सारे बच्चे होते हैं वो तो बस वो अपने देश का सचिन तेंदुलकर सबसे बढ़िया प्लेयर है उसके लिए ताली बजाने में खत्म हो जाते हैं। ये नहीं होना चाहिए ना एजुकेशन में। आप भी कोचिंग इंस्टीट्यूशन पर पढ़ रहे हैं तो आप भी फीस दे रहे हैं, आप भी वहां सीखने आए, परंतु केवल टॉपर पर फोकस क्यों? परंतु वो संभव है नहीं उस क्लास एनवायरमेंट में, पर टेक्नोलॉजी में संभव, पर्सनल लेवल पर जा सकते हैं। और अभी तो मशीन लर्निंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, आप देखिएगा हम हमारी ऐप को आगे आने वाले सालों में इतना इंप्रूव कर देंगे कि आप जो क्वेश्चन का रिस्पांस दे रहे हैं उससे हमें पता पड़ जाएगा आपने गलती क्या करी और सही क्या करा, और हम आपको पर्सनलाइज लेवल पर ले जाएंगे। वी आर वर्किंग ऑन दिस, हम थोड़ा समय लगेगा, 6-7 महीने में हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग पे बेस्ट ऐप बना रहे हैं, तो उसको और पर्सनलाइज कर देंगे। तो अमेजिंग है, दुनिया बदलने वाली है। जो मैंने बचपन में फिक्शन की मूवीज देखी थी और आप जो फिक्शन की मूवीज देखी थी वैसी दुनिया होने वाली है, आप देखिएगा रियलिटी हो रही है फिक्शन वाली दुनिया। एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन सर। आदिल हर्षिता इन्होंने पूछा है कि सर ये नीट के स्टूडेंट्स हैं कि क्या एनसीईआरटी नीट के लिए सफिशियंट है? एनसीईआरटी सफिशियंट नहीं परंतु मस्ट है बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली और केमिस्ट्री के लिए। आपको सबको याद होगा हमने एनसीईआरटी की सारी बुक्स आपके एनसीईआरटी सेक्शन में अपलोड कर दी हैं, सीपी लाइव में आपको सारी एनसीईआरटी की बुक्स मिल जाएंगी। एनसीईआरटी को हमारे फैकल्टी मेंबर भी रेफर करते हैं और हम भी टेक केयर करते हैं जब हम आपको पढ़ाते हैं, उसके सारे पॉइंट्स हम आपको टेक केयर करते हैं, परंतु आपको एनसीईआरटी जरूर थोड़ा बहुत पढ़ना चाहिए। अभी
हम इंटरनली एक प्लान कर रहे हैं कि एनसीईआरटी रीडिंग, एक कंसेप्ट हम आपके लिए नया इंट्रोड्यूस करेंगे सीपीएलआई में, एनसीईआरटी रीडिंग। तो उसमें पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़ाएंगे, परंतु एनसीईआरटी के जो खास खास पॉइंट है उनकी स्नैपशॉट लेकर उसके पीछे क्या एनसीईआरटी सोचता है उसका प्रोग्राम हम आपके लिए बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम आपको दे देंगे। मीनवाइल जब तक वो नहीं बनता है, आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ना चाहिए, केमिस्ट्री एनसीईआरटी और बायोलॉजी एनसीईआरटी तो जरूरी है नीट के लिए, और केमिस्ट्री एनसीईआरटी जरूरी है जेई एडवांस के लिए, स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक में। अथर्व और ऐश्वर्या ने पूछा है कि सर फॉर्मूला कैसे लर्न करें? फॉर्मूला तो रन याद ही करना, लर्न का मतलब याद करने बोलता ना। आप क्या करिए, फॉर्मूला तो एक शीट पर लिखिए और सामने रख लीजिए और क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन करते करते याद हो जाएगा। सब बच्चों से एक क्वेश्चन है मेरा, आपके बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, सोचिए। आपके सबके जहां आप फटाफट, आपने कभी उसके नाम को लर्न करा? आप लोग क्या बात कर रहे हो सर, संडे को मजाक करो को नाम भी लर्न करे जाते हैं कैसे, तो फिर आपको लर्न कैसे है? एक का नहीं जाने कितने सारे लोगों को नाम लर्न है, आपको याद है, आपको आपको खुद का नाम याद है, पेरेंट्स का नाम याद है, भाई बहनों का नाम याद है, चाचा बाबा में जितने भी लोग हैं सबका नाम याद, लिख के याद करे आपने किसी ने, कैसे करे याद? क्योंकि वो रूटीन में आपके साथ आते रहे, सामने आते रहे, ऑफिस में गए, कभी किसी एक आदमी से मिले, पहली बार मिले, उससे पूछा आपका नाम क्या है, उसने बोला महेश, दो दिन बाद दोबारा मिले, उससे बोला हेलो रमेश क्या हाल है, उसने बोला रमेश नहीं महेश, हाल अच्छे हैं पर नाम महेश है, तो हाँ यार नाम तो आपका महेश है। फिर तीन दिन बाद दोबारा मिले उससे, उससे बोले हेलो हाय सुरेश क्या हाल है, उसने बोला नाम यार सुरेश नहीं है, हाल अच्छे है, नाम महेश है, परंतु थोड़े दिन उसका नाम याद हो गया। फिर एक आध साल बाद भूल गए उसको, दोबारा मिला तो उसको मिलते बोला यार आपकी शक्ल देखी देखी लग रही है, नाम याद नहीं आ रहा, हाँ रमेश महेश महेश याद आ गया ना। ये कैसे याद आते हैं, इतने सारे नाम याद है हमें, इतनी सारी चीजें याद है, कैसे याद है? रूटीन में आ गई है लाइफ में, फॉर्मूला भी रूटीन में लाइए, फॉर्मूला कागज पे लिखिए, सामने रखिए, क्वेश्चंस करिए, बार बार रेफर करिए, डोंट वरी, चिंता मत करिए कि मुझे फॉर्मूला याद होना चाहिए, नहीं ऊपर देखकर सोच रहे हैं फॉर्मूला क्या लगेगा, कागज में देख के सोचो यार कि फॉर्मूला क्या लगेगा, ये थोड़ी कि ऊपर देख देख के और क्या फॉर्मूला लगेगा यार, क्या फॉर्मूला था, क्या फॉर्मूला था, मुझे याद क्यों नहीं रहते, और अपने आप को दुखी कर रहे हो। नीचे देखो कागज पे क्वेश्चन सॉल्व करो, शीट पूरी करो कि फॉर्मूला याद आ जाएगा, मेरी गारंटी है। और पूरी शीट करने के बाद भी अगर याद नहीं होते फिर उसके बाद लिख लिख के याद कर ले, वो बाद में करना ना, पहले क्यों कर रहे हो? ठीक है, अवनी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, हाउ टू प्रिवेंट नेगेटिव मार्किंग। ये सेशन लेना पड़ेगा इसके लिए, ये बहुत लंबा सेशन है, और मैं आपको एक स्पीड एक्यूरेसी का एक पूरा सिस्टम बताऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग को कैसे रोका जाए। और इसके लिए आपको स्पीड आपकी क्या है, एक टेस्ट पेपर एनालिसिस सेशन होता है हमारा, वो भी हम जल्दी ले लेंगे। तो टेस्ट पेपर एनालिसिस में आपको समझाऊंगा कि एनालिसिस करके पहले आपको आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी कि आपसे गलती किस तरह की होती है, कंसेप्शुअल होती है या आपकी सिली मिस्टेक्स होती है। वो जब पता पड़ेगा तब पता पड़ेगा कि नेगेटिव मार्किंग का रीजन क्या है, सिली मिस्टेक्स रीजन है या कंसेप्शुअल रीजन है, और जो रीजन होगा उसके हिसाब से फिर हम बात करेंगे, उसके बाद बताएंगे आपको कि कैसे आपको करना है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन देवांशी ने पूछा है कि सर लाइव क्लास का जो लेक्चर होता है उसके तुरंत बाद शीट के क्वेश्चंस और क्विज के क्वेश्चंस करने चाहिए या एक बार पहले उस लेक्चर को रिव्यू करना चाहिए? देखिए वैसे मुझे लगता नहीं कि आपको लेक्चर को दोबारा रिव्यू करने की जरूरत होनी चाहिए एक बार लेक्चर पढ़ने के बाद। मैंने देखा है कि बहुत से बच्चे, मैं टेलीग्राम ग्रुप में देख रहा था कि लाइव लेक्चर खत्म होते हैं पीडीएफ नोट्स की डिमांड करते हैं। मैंने इस नोट्स की डिमांड को देखते हुए, मैंने मेरी खुद की डॉटर भी पढ़ती है, तो मैंने उसका स्टडी पैटर्न को थोड़ा एनालिसिस करा। मैं आपको, तो मेरी डॉटर पढ़ने में अच्छी है, उसका रिजल्ट अच्छा आता है, मार्क्स अच्छा आता है। तो जब मैंने उसको पढ़ना शुरू करा तो मैंने देखा कि वो क्या करती है। मैंने कल उससे पूछा रात में स्पेसिफिकली कि बेटा तुम बाद में दोबारा देखते हो, बोला कि मैं जब लेक्चर चलता है ना मैं नोट्स उसी टाइम पे बनाती हूँ ताकि मुझे उस टाइम पे समझ में आए। और उसका फायदा है, आप नोट्स उसी टाइम पे बनाइए, कोशिश करिए जितना लिख सकें उतना लिखें पेन से ताकि उससे कंसेंट्रेशन बढ़ता है और बाद में रिव्यू करें तो नोट्स हो जाएंगे। उसके बाद आप बुक को थ्योरी पढ़ लें, जो भी आपके पास रेफरेंस बुक एनसीईआरटी से पढ़ लें, उस बुक से थ्योरी पढ़ लें और क्वेश्चन करें, क्योंकि और फिर अगर आपको जरूरत पड़ती है कि क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो फिर आप वीडियो लेक्चर देखें, क्योंकि उसको दोबारा वीडियो लेक्चर देखने में एक घंटा दोबारा लग जाएगा, उसका कोई फायदा नहीं है जब तक कि उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। भाई दवा तो तभी लेंगे ना जब रिक्वायरमेंट हो, बिना कोई दवा क्यों लेंगे जब रिक्वायरमेंट ही नहीं है, ओवरडोज हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन ट्राई करिए नोट्स के आधार पर और एक बुक के आधार पर, नहीं हो रहा तो फिर जाके
दोबारा वीडियो पढ़िए। एक टाइम टेबल से रिलेटेड क्वेश्चंस फिर वापस से बच्चों के बहुत सारे आ रहे हैं कि सर मैं रात को 2 से 3 बजे तक पढ़ता हूँ तो मैं सुबह लेट उठूँ तो चलेगा क्या, या मुझे कितने घंटे सोना चाहिए, थोड़ा सा और स्पेसिफिक बताएं। 6 घंटे मिनिमम, 8 घंटे मैक्सिमम, बिल्कुल स्पेसिफिक है। 6 घंटे से कम नहीं सोना चाहिए और 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना चाहिए, और बाकी आपका टाइम सेट कर लीजिए। अभी एक मैं क्वेश्चन दे रहा था, किसी ने उससे पूछा कि सर सेट और टॉफिल के बारे में बताएं, आईवी लीग कॉलेज में कैसे आएंगे, इसका सेशन मैं आपको अलग से लूंगा। एक क्वेश्चन और है इसी तरह का, यहाँ पे देख रहा हूँ कि शायद कुछ स्टूडेंट्स 10th क्लास या उनके ब्रदर सिस्टर 10th में पढ़ते हैं, वो भी पूछ रहे हैं कि सर 10th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए भी प्लीज एडवाइस करें। सॉरी, कम अगेन, आई वाज यू नो बिजी इन रीडिंग चैट। हाँ, स्टूडेंट शायद 10th क्लास के भी कुछ यहाँ हैं या उनके ब्रदर सिस्टर 10th में पढ़ते हैं, तो उन्होंने पूछा है कि 10th क्लास के लिए भी एडवाइस करें। 10th क्लास के लिए भी बिल्कुल जैसे सीपी लेवल में आप पढ़ रहे हैं वैसे पढ़िए, उसके लिए मैथ्स और साइंस पर फोकस करिए। अगर आपको अच्छा करियर आगे बनाना है तो फोकस ऑन मैथ्स एंड साइंस। वैसे भी हम 10th क्लास की भी लाइव क्लासेस, 9th और 10th की भी लाइव क्लासेस शुरू कर रहे हैं 6 मई से, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस है 999 पर, उसको आप ज्वाइन करा दीजिए। और वहां पर हमारा फोकस है टू बिल्ड मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, साइंटिफिक एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, और सिलेबस हम कवर कराते हैं, वैसे डेवलप कर रहे हैं, जिसका फाउंडेशन जिसको बोलते हैं वो बिल्ड कर रहे हैं। तो उस तरह से हम काम कर रहे हैं। फोकस करिए आप मैथ्स पर और साइंस पर, अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपको फ्यूचर में कोई भी कंपिटेटिव एग्जामिनेशन दे उसका फायदा आपको जरूर होगा। देयर इज अ क्वेश्चन कि मेरे कंसेप्ट फिजिक्स में वीक है, क्या प्रैक्टिस करने से मेरा कंसेप्ट सही हो जाएंगे? बिल्कुल सही हो जाएंगे। आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी आने लग जाएगी। प्रियल मालव पूछ रही है कि हाउ टू मेंटेन स्टडी शेड्यूल फॉर लॉन्ग, थोड़ी देर के बाद डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, तो सबके साथ होता है, नॉर्मल है, सबके साथ होता है, डोंट वरी, इसको ये कोई बीमारी नहीं है, सबके साथ होता है। हर एक आदमी का जो अपना स्टडी शेड्यूल है डिस्टर्ब हो जाता है, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक आध दिन आपका खराब जाएगा, अपने आप को वापस स्टेबल करो और वापस पढ़ाई पे लग जाओ, और जो खराब चला गया दिन उसकी चिंता मत करो, हो गया जो हो गया, चैप्टर क्लोज, आगे बढ़ जाओ। ये सबके साथ होता है, दैट इज नॉट ओनली योर प्रॉब्लम, सो डोंट वरी। लॉन्ग रन शॉर्ट रन कुछ नहीं होता है, टाइम टेबल बनता है, टाइम टेबल बनता है बिगड़ने के लिए। हम टाइबल बनाते हैं, 4 दिन चलता है, 5 दिन बिगड़ जाता है, फिर वापस सही करो और वापस लग जाओ। दैट्स हाउ, इट्स नॉट लाइक दिस, इट इज लाइक दिस 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 दिस, पर यूं बढ़ते जाना है, तो जिग जिग ऊपर बढ़ते जाना है, ना तो इन्यो जाना है ना इन्यो जा सकते, ये ध्यान रखिए। तो बिल्कुल चिंता मत करिए, बिल्कुल सही चल रहा है आपका टाइम टेबल। अगर आपका 3-4 दिन में एक बार बिगड़ता है तो इट्स ओके, एक्सेप्टेबल। केवीपीवाई के बारे में भी स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि सर 11th और 12th के साथ अगर हम पढ़ रहे हैं तो अभी केवीपीवाई का कैसे मैनेज करें? कुछ भी अभी तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, अभी तो आप अपने सिलेबस से फोकस करिए। केवीपीवाई का जब टाइम आएगा तब हम आपको बता देंगे, क्योंकि उसका सिलेबस वो 11th 12th वाला ही होता है, एंड विल टेक केयर ऑफ इट। सो अभी करंटली देयर इज नो पॉइंट ऑफ यू नो इवन फोकसिंग ऑन केवीपीवाई, जस्ट फोकस ऑन योर करंट सिलेबस ऑफ क्लास 11th एंड क्लास 12th। दोस इन क्लास 11th फोकस ऑन 11th सिलेबस व्हिच वी आर कवरिंग इन सीपी लाइव, दोस इन क्लास 12th फोकस ऑन क्लास 12th सिलेबस व्हिच वी आर currently covering, and once the KVPI will come, we'll take care and we'll take a session for that. Especially अभी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है आपको, wait for you. कुछ students बोल रहे हैं कि सर अभी homework बहुत कम मिलता है, तो ये actually अभी तो आ रहे हैं आपकी just classes शुरू हुई हैं और शुरू के initial lectures हुए हैं, तो ये answer तो मैं ही आपको दे देता हूँ। जैसे ही आपका chapter आगे progress करेगा, आपके questions और homework के questions पढ़ते जाएंगे। आप बोलना शुरू कर दो कि सर काम ज्यादा स्लो करो ये शुरू के 5-6 lecture में होता है, क्योंकि अभी चैप्टर कम्प्लीट नहीं हुए ना आपके। आपके चैप्टर कंप्लीट होते सारी एक्सेल शीट आपके सामने आ जाएंगी, देन यू विल स्टार्ट सेइंग कि सर थोड़ा स्लो चली है, हमारी शीट्स पूरी नहीं हुई है। अब बढ़ जाएगा अभी टाइम, डोंट वरी, वो शुरू में से होता है। आर्यन पूछ रहे हैं कि सर कुछ एक्स्ट्रा बुक्स के बारे में बताएं जो हमें सपोर्ट के लिए जरूरी है। वो मैं आपको वहां पे रिकमेंडेड बुक्स की लिस्ट में डाल दूंगा शीट के अंदर, वहां से आप ले लीजिए, मतलब सीपी लाइव में डाल दूंगा, वहां से आपको पता पड़ जाएगा। अभी आप नोट नहीं कर पाएंगे, मैं थॉटफुल कर दे उनका किस पर्पस के लिए कौन सी बुक की रिक्वायरमेंट है वो हम आपको अपलोड कर देंगे सेक्शन। स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर 11th के साथ भी मॉक टेस्ट देना चाहिए क्या? वो ले रहे हैं ना आपके मॉक टेस्ट, उसके अलावा क्या करेंगे आप? आप गन्ने में सुतने जूस निकालिए जितनी जरूरत है, वो नींबू डाल के भी निकाल ले वो भी ठीक है, उसके बाद निकालोगे तो कड़वा हो जाएगा, उतना ही पीसी अपने आपको जितनी जरूरत है, ज्यादा मत पीसी अपने आपको, उससे कुछ होने वाला नहीं है। रिक्वायरमेंट जितनी है ना आपकी, उतना एफर्ट डालिए और वो हम टेक केयर करें, वो करिए ना हम आपसे कह रहे हैं। उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ भी करने की जरूरत नहीं, आपको सलाह बहुत मिलेगी, कोई भी आगे कुछ भी सलाह दे जाएगा। आपके यहाँ पर अंकल आए, अंकल ने बोला बेटा ये कर लो, वो चले गए, अपन वो करने लग गए, ऐसे तो पूरी दुनिया आपको सब तरफ धक्के देती रहेगी। आपको एक डिसाइड करना है आपको करना क्या, वो करिए।
जो भी हम आपको करा रहे हैं वो करिए, अगर कोई जरूरत होगी तो हम आपको बता देंगे। देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी मॉक टेस्ट बिकॉज करंटली यू आर वी आर कंडक्टिंग एवरीथिंग ना, क्या जरूरत है आपको कुछ भी करने की। एक क्वेश्चन है कि सर हमें डिस्ट्रैक्शंस को कैसे अवॉइड करना चाहिए। आपको खुद को पता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन है तो अवॉइड करिए उसको, बट उसका एक ही तरीका है कि आप आइडेंटिफाई करिए कि किस किस तरह के डिस्ट्रैक्शन आपको बहुत फ्रिक्वेंटली होते हैं और उनमें से जो की डिस्ट्रैक्शन रीजन है उसको आप अपने माइंड में ध्यान में लेकर आइए कि उसका सॉल्यूशन क्या है। ये वैरायटी के डिस्ट्रैक्शंस हो सकते हैं और इनके हर डिस्ट्रैक्शन का एक डिफरेंट सॉल्यूशन होगा। आप जैसे आइडेंटिफाई करेंगे तो आप पहले फिगर आउट कर लीजिए कि की डिस्ट्रैक्शन रीजन क्या है और उसको आप अवॉइड करिए। जैसे इग्नोरेंस इज वन ऑफ द वे ऑफ मूविंग अवे फ्रॉम द डिस्ट्रैक्शन। इग्नोरेंस बहुत जरूरी होता है, जैसे हमें किसी से चिढ़ हो जाती है, किसी से नफरत हो जाती है, किसी से जेलस होती है, या कोई आदमी अच्छा नहीं लगता हमें और उसको जब भी देखते हैं, या कोई आदमी हमें बहुत अच्छा लगता है जब भी देखते हैं हमें हमें डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, तो उसका क्या सोल्यूशन है? उसका सोल्यूशन है इग्नोरेंस। आप इग्नोर करने की आदत डालिए, तो बिल्ड दैट कैपेबिलिटी टू इग्नोर। आप इग्नोरेंस करने की आदत डालोगे तो जो डिस्ट्रैक्शन के रीजन है वो धीरे धीरे हटते जाएंगे आपके लाइफ से और सिंपल होता जाएगा। तो यही तरीका है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर, बैकलॉग को कैसे कवर करें? अभी बैकलॉग कहां से आ गया? अभी तो शुरुआत ही हुई है, अभी तो चालू हुआ है, 7 दिन तो हुए हैं पढ़ते हुए, 15 दिन तो हुए हैं, अभी कोई बैकलॉग नहीं। अगर 11th का बैकलॉग है तो 11th वाला का आंसर मैंने बता दिया है, बाकी और कोई बैकलॉग है ही नहीं, डोंट वरी। 11th वालों का अगर कोई पोर्शन छूटा हुआ है बचपन पहले क्लास का, 12th वालों का, तो पहले उसको टुकड़े टुकड़े कर लीजिए, छोटे छोटे टुकड़े कर लीजिए और छोटे छोटे टुकड़े करके एक टॉपिक को एट ए टाइम लेकर उसको कंप्लीट करिए। एक क्वेश्चन, कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर मैं अभी SSC बोर्ड में हूँ, क्या मैं CBSE चेंज कर सकता हूँ या मुझे CBSE चेंज करना चाहिए नीट देने के लिए? CBSE अच्छा है फॉर JEE और नीट के लिए क्योंकि उसका सिलेबस बिल्कुल अलाइंड है। SSC में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है, तो अगर आप कर सकते हैं तो आपको कर लेना चाहिए, बाकी कोई जरूरत मतलब कोई मस्ट नहीं है, पर एडवाइजेबल है कि कर लेना चाहिए। यस, मैं एक क्वेश्चन मेरा है कि जब से ये लॉकडाउन हुआ है बहुत सारे तरह तरह की ऑनलाइन क्लासेज, ऑनलाइन लाइव क्लासेज वगैरह, ये और भी कई सारी तरीके की आ गई है, तो जो जो CP लाइव है ये बाकी सब ऑनलाइन क्लासेस से कैसे डिफरेंट है और कैसे परफेक्ट है? देखिए CP लाइव में और बाकी जो ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बेसिक फर्क है। एक तो दो तरह के लोग हैं जो ऑनलाइन क्लासेस चला रहे हैं। पहले बात तो जो टेक्नोलॉजी कंपनी आई है उनके पास सिर्फ टेक्नोलॉजी, उनके पास एक्सपीरियंस ही नहीं कि टीचिंग क्या होती है और कोचिंग क्या होती है, तो वो लोग टेक्नोलॉजी के हिसाब से कोचिंग कराते हैं। उनको ये नहीं समझ में आता कि क्या चीज पहले पढ़नी चाहिए, क्या चीज बाद में पढ़नी चाहिए, किस चीज पर कितना समय देना चाहिए, लेक्चर का क्या इंपॉर्टेंस होता है, DPP का क्या इंपॉर्टेंस होता है, क्विज का क्या होता है, एक्सरसाइज शीट का क्या होता है, डाउट डिस्कशन क्या होता है, मोटिवेशन सेमिनार का क्या इंपॉर्टेंस होता है। ये सारी चीजें जो एक पैकेज होता है पूरा कोचिंग का, उन टेक्नोलॉजी कंपनीज को पता ही नहीं है और वो टेक्नोलॉजी कंपनी बस सिर्फ बहुत ज्यादा हाई प्रमोशन करके, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करके लोगों को बता रहे कि आप हमें पढ़ाइए, हमसे पढ़ लीजिए, तो वो रिलेवेंट नहीं है और वो बिल्कुल कंफ्यूज करते हैं और देट इज नॉट ए स्ट्रक्चर प्रोग्राम। तो आप ऐसी नाव में बैठ गए जिसका खुद को नाव को डायरेक्शन पता नहीं है, बस उसको खेया जा रहा है कि जाएगी जाएगी परंतु पार कैसे लगेगी, जिसको डेस्टिनेशन खुद का क्लियर नहीं है, तो देट इज अ प्रॉब्लम विद दोज कंपनीज। दूसरे बहुत से कोचिंग इंस्टीट्यूशन भी शुरू करा है, मैं किसी का भी स्पेसिफिक नाम नहीं लेना चाहता, परंतु लाइव में और रिकॉर्डेड में फर्क है। मैंने देखा कि सभी लोग रिकॉर्डेड क्लासेस दे रहे हैं, रिकॉर्डेड क्लासेस में जो आपके डाउट्स आते हैं उनका पता नहीं पड़ता। अभी क्या होता है जब आप लाइव क्लास लेते हैं तो चाहे हम आपके डाउट्स को पिक करें ना करें, हम आपके डाउट्स का जवाब दें ना दें, परंतु हम उसको समझ के हमारे फैकल्टी मेंबर हाथों हाथ अपने लेक्चर में उसको इनकॉर्पोरेट करता है और आपको लाइव एक्सपीरियंस देता है, तो वो बहुत फर्क है। जिन लोगों ने कुछ मैंने देखा कुछ बोल रहे कि लॉकडाउन के बाद आके आप ऑफलाइन में पढ़ लेना, भाई उनका तो मन ही नहीं है आपको अभी आज ऑनलाइन में पढ़ाने का, तो वो एक तरह से 1 महीने 1.5 महीने 2 महीने जब तक भी लॉकडाउन रहेगा तब तक के लिए एक आपको झुंझुना पकड़ा रहे हैं कि आप पढ़ लेना बाद में आके ऑनलाइन ऑफलाइन में पढ़ लेना,
तो वो जो आपको क्वालिटी देंगे वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी देंगे, टाइम पास क्वालिटी देंगे। और जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर अगले साल के एग्जाम का क्या होगा, वो तो टाइम से होगा ना, और अगर आपका एक महीना डेढ़ महीना इस सब लॉकडाउन के चक्कर में अटक गया और वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी आपको मिल गई, तो आप तो डेढ़ दो महीना पीछे हो गए, आप कभी भी कवर नहीं कर पाएंगे, उसको आप ध्यान रखिएगा। तो सीपी लाइव में हमने बिल्कुल क्लासरूम कोचिंग को, लाइव क्लासरूम कोचिंग को, उसी मेथोडोलॉजी को जिससे कोचिंग एक्चुअल में डिलीवर करनी चाहिए, मेरा लगभग 27 साल का तो मेरा एक्सपीरियंस है कोचिंग का, और मैंने खुद ने आईटी की तैयारी करी है, 4 साल आईटी में रहा हूँ, तो एकदम 30-35 साल से मैं इस चीज से जुड़ा हुआ हूँ। और मेरा मानना है कि जो एक्चुअल में एजुकेशन होनी चाहिए वो हम सीपी लाइव पर दे रहे हैं, और बहुत कम लोग हैं जैसा सोच रहे हैं, सब रिकॉर्डेड दे देकर टाइम पास कर रहे हैं बच्चों का, तो मुझे लगता है कि वो सही नहीं है। अगर हाँ किसी को रिकॉर्डेड ही पढ़ना है तो बात अलग है, परंतु वो रिकॉर्डेड ही पढ़ना है तो फिर वो रिकॉर्डेड की भी क्वालिटी रिकॉर्डेड के हिसाब से होनी चाहिए। अभी हम जो वीडियो बनाते हैं तो रिकॉर्डेड वीडियो रिकॉर्डेड के हिसाब से बनाते हैं, लाइव वीडियो लाइव के हिसाब से बनाते हैं, तो वो डिफरेंस है दोनों में, तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और मुझे लगता है कि सीपी लाइव में बहुत एडवांस है और बहुत अच्छा सोल्यूशन है। बहुत से स्टूडेंट्स मुझे लग रहा है कि अभी इसी साल जेई देने वाले भी अभी सेशन में हैं, जिन्हें इस साल जेई और नीट का एग्जाम देना है, तो वो स्टूडेंट्स भी आपसे रिवीजन के लिए गाइडेंस चाहते हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि हमें अभी रिवीजन में कोई बुक सॉल्व करनी चाहिए क्या? आपके लिए ना रिवीजन का, जो जेई के स्टूडेंट उनके लिए रिवीजन का एक बहुत अच्छा प्रोग्राम है हमारे पास। आप सीपी लाइव की ऐप डाउनलोड करिए, उसमें जेई सेक्शन में जाइए, वहां पे रैंक बूस्टर करके हमने एक प्रोग्राम लॉन्च करा हुआ है। उस रैंक बूस्टर में हमने हर चैप्टर के 10-10, 15-15 क्वेश्चन जो है वो हमारे फैकल्टी मेंबर ने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करके वीडियो डाले हुए हैं। साथ में वहां पर ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज है, तो आप उन वीडियोस को पढ़िए, उससे रिलेवेंट अपने जो पुराने जो भी शीट करी है वो शीट को सोल्व करिए। उन वीडियोस में क्वेश्चंस हैं ट्रिकी, तो ट्रिकी क्वेश्चन है सारे के सारे, 15-20 क्वेश्चन है, वो सोल्व करिए। वहां पर हम क्वेश्चन भी आपको दे रहे हैं, 15-20 क्वेश्चन रिविजन वो करिए और टेस्ट सीरीज दीजिए। और मेरे हिसाब से उसकी फीस भी मेरे तो 1000 रुपए से कम है, 499 या 999 उसकी फीस है, उससे आप रिवीजन करिए। सिमिलर प्रोग्राम हमने क्रैश कोर्स इस साल के नीट के बच्चों के लिए भी लॉन्च करा हुआ है, वो वहां से रिवीजन कर सकते हैं। उसके अलावा टेस्ट सीरीज कर लीजिए और लाइव लेक्चर, तो एक एक टर्न में सारे चैप्टर वहां पे कवर हो जाते हैं, और आप एक चैप्टर में पूरा क्रैश कोर्स के चैप्टर रिवाइज कर लीजिए, साथ में फिर जो पास्ट में आपने पढ़ा है उसके क्वेश्चन कर लीजिए और टेस्ट पेपर दे लीजिए। यही तीन चीजें इस साल के बच्चे कर सकते हैं। आप चैप्टर को फटाफट रिवाइज करिए, जो आपने पास्ट में क्वेश्चंस कर रखे हैं उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करिए और टेस्ट पेपर दे लीजिए। एंड दिस हाउ यू कीप योर मोमेंटम गोइंग ऑन गोइंग, रोकिए मत अपने मोमेंटम को। अगर आपने अपना मोमेंटम रोक दिया तो फिर आपकी पढ़ाई में दिक्कत हो जाएगी। कुछ स्टूडेंट्स में देख रहा हूँ वो इस तरह का भी पूछ रहे हैं कि 10th क्लास के हमारे अभी लॉकडाउन की वजह से कुछ पेपर्स छूट गए हैं, जैसे आईसीएसई बोर्ड में और कुछ स्टेट बोर्ड में, तो क्या अभी हमें 10th के उन सिलेबस को भी रिवाइज करना चाहिए या 11th पर फोकस करना शुरू कर देना? आप तो 11th पर फोकस करिए, अभी जरूरत नहीं उसको आपको रिवाइज करने की, कोई फायदा नहीं उसको रिवाइज करने का आपके लिए, आपके लिए अभी उसकी कोई जरूरत नहीं है। जब उसका सिलेबस टाइम टेबल आ जाएगा तब सोचेंगे ना। हाँ शायद नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पूछ रहे हैं कि सर हमें टेस्ट देते वक्त किस तरह से टेस्ट की प्लानिंग करनी चाहिए? ये सेशन हम बाद में लेंगे, ये मतलब बहुत लंबा केस है, तो आप टेस्ट के लिए प्लानिंग के लिए आप रोजाना पढ़ाई करते हैं, टेस्ट के एक दिन पहले आप फॉर्मूला रिवाइज करिए, साउंड स्लिप लीजिए और एग्जाम के पहले पॉजिटिव एटीट्यूड से जाइए, यही आपकी टेस्ट की तैयारी है। डिटेल सेशन में आपको फिर बाद में ले पाऊंगा। एक कंसर्न में देख रहा हूँ वो ये जाइए, आपसे एश्योरेंस चाहते हैं कि सर अभी जिस तरह से हमारा सिलेबस चल रहा है क्या टाइमली हम कंप्लीट कर पाएंगे? 100% हमारा पूरा हो जाएगा, 100% पूरा, एक एक डे कैलकुलेटर है हमारे पास, डोंट वरी, हम बिना कैलेंडर के काम नहीं करते, हमारे पास एक एक डे कैलकुलेटेड है, बल्कि इनफैक्ट मेरे लैपटॉप पे खुला हुआ है। हम अभी आपको, हालांकि शैलेंद्र के पास का आंसर है, शैलेंद्र में तो दोनों वी आर सिटिंग एट आवर होम बोथ द प्लेसेस, बट हम कॉमन शीट पे काम कर रहे थे और कल भी हमने काफी टाइम इस पे निकाला, और हम देख रहे हैं कि किस तरीके से आपकी स्पीड बढ़ाई जाए, कहाँ पे कम करी जाए। शैलेंद्र को तो उसका आंसर पता ही है खुद को, ये बिल्कुल टाइमली कंप्लीट हो रहा है। क्लास 11 का जनवरी हमारा टारगेट है, बट हम टारगेट कर रहे हैं दिसंबर में खत्म कर देंगे। क्लास 12 का सिलेबस हमारा सितंबर टारगेट है, तो हम सितंबर में या मिड ऑफ अक्टूबर में आपका सिलेबस 12 का खत्म कर देंगे, ये हमारा कैलकुलेटेड है, सो नीड नॉट टू वरी। ये आप बिना बात ही है ना बेवजह चिंता करते रहते हैं, और मैं आपको बताऊं, ये मैंने अभी कुछ देर पहले सेशन में बोला था, हैव फेथ इन द सिस्टम। इस तरह के विचार आपको सिस्टम में कॉन्फिडेंस आने में रोकते हैं, इससे आपका कॉन्फिडेंस भी ला रहता है और आप पढ़ते नहीं है, आप एक्सक्यूज बना के दिन भर घूमते रहते हैं, सिलेबस होगा कि नहीं होगा यार, क्या होगा यार, जो पढ़ा दिया वो तो पढ़ लो यार, वो हो गया ना,
तो आगे बढ़ो, मतलब बिना बात ही तनाव और दहशत क्यों फैला रहे हो अपने दिमाग में दूसरों के दिमाग में? ट्रस्ट रखिए ना, विश्वास रखिए। वी पीपल आर वेरी सीरियस पीपल, वी आर इनटू एजुकेशन फॉर लास्ट 27 इयर्स, वी आर वेरी सीरियस, वी अंडरस्टैंड व्हाट चैलेंजेस यू माइट फेस गोइंग फॉरवर्ड। हम कोई यहाँ पे मजाक नहीं करते आप लोगों के साथ, हमें सब चिंता है। हम कोई ये नौ सीखिए कोई लोग नहीं है जो फटाफट आ गए और ये काम करके निकल जाएंगे। हम रेस्पॉन्सिबल लोग हैं बहुत ज्यादा, हम इन रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझते हैं। आप जितना अपने एजुकेशन पे शायद टाइम नहीं देते ना, उससे कहीं ज्यादा टाइम हमारी टीम आज भी अपना एजुकेशन पे लगाती है। मैंने आपसे बोला ना, शैलेंद्र में तो कंटिन्यूसली वर्क कर रहे हैं इसके ऊपर, हम देख रहे हैं कि कैसे एफिशिएंसी आपकी बढ़ाई जाए, कैसे आउटपुट बढ़ाया जाए। ये जो हम स्लो लेक्चर चलाते हैं, तेज चलाते हैं, ये सब हमारे प्लानिंग का तरीका होता है। हम मोमेंटम देते हैं, टाइम देते हैं लोगों को एडजस्ट करने का। ये मैं बोला टेक्नोलॉजी कंपनी को ये सब पता नहीं है, ये गहराई है हमारे पास। हम 27 साल से लगातार हर साल यही काम, हम एक्चुअली 24 घंटे काम यही करते हैं, तो हमें तो एक एक चीज पता है कि क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला है। तो आप चिंता मत करिए, ट्रस्ट रखिए। स्टूडेंट्स ये पूछ रहे हैं कि सर डीपीपीएस में क्वेश्चंस थोड़े ज्यादा गलत हो जाते हैं, तो डीपीपी अटेम्प्ट करने से पहले क्या करना चाहिए? नहीं, डीपीपी क्वेश्चन गलत करने के लिए दिए हैं, वो प्रैक्टिस के लिए है भाई। 100% एक्यूरेसी यू कैन नॉट अचीव। अभी तो आपने चैप्टर पढ़ा, पढ़ने के बाद आपने डीपीपी करा, अब आप बोल रहे हो कि मुझसे 100% करेक्ट हो जाए। अरे यार, आप क्रिकेट खेले कैसे खेले, उसकी बुक पढ़ी, पिच पर गए, पहला शॉट में आप छक्का मारना चाह रहे हो, डीपीपी दिया ही प्रैक्टिस के लिए जा रहा है। इसीलिए भी हमारी टीम ने बोला कि सर इसको क्विज फॉर्मेट से हटाकर नॉर्मल पीडीएफ फॉर्मेट में दो और बच्चों को टाइम दो। अभी परसों हमारी मीटिंग हुई, जूम मीटिंग हमारी पूरी टीम की, उसमें ये सजेशन आया कि सर आप एक काम करिए, जो हम क्विज फॉर्मेट में दे रहे हैं इसको क्विज फॉर्मेट से हटाकर पीडीएफ फॉर्मेट में बच्चों को दो और उनको ओपन टाइम दो, क्योंकि बच्चों को जब गलत होते हैं तो डिसअपॉइंट हो जाते हैं, उनको लगता है कि नहीं पूरे करेक्ट होने चाहिए क्योंकि उसकी रैंकिंग बन जाती है। तो हमने उसको मंडे से हम उसको पीडीएफ फॉर्मेट में लेकर आ रहे हैं और क्विज को हमने एक कंसेप्ट बदला है। अब हम पूरे चैप्टर में 2 या 3 क्विज लेकर आएंगे और उसके बाद फिर आपको एंड चैप्टर टेस्ट आएगा, ये हमने फॉर्मेट बदल दिया है। अभी हम कंटिन्यूसली हम फीडबैक मिलता है तो हम उसको चेंज कर लेते हैं, तो नो वरी, हो रही गलती होने दीजिए, कर करके सीखेंगे। बचपन में आप जब चलना सीखे थे तो मेरे ख्याल से बहुत ही कम बच्चे ऐसे होंगे जिनके घुटने टूटे नहीं होंगे, बाकी सबके घुटने तो फूटे ही हैं। गिर गिर के चलना सीखे हो और ये गिरना पड़ेगा आपको, तभी सीखोगे। एक स्टूडेंट ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा ड्रीम नेवल इंजीनियरिंग में जाने का है, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये करियर ऑप्शंस के बारे में मैं अलग से बात करूंगा, मैं सबका ये बहुत स्पेसिफिक क्वेश्चन है, तो लेट्स टेक द जनरल क्वेश्चंस। स्पेसिफिक क्वेश्चन यू कैन मेल टू अस, मैंने आपको बता दिया था वहां पे जवाब दे दें। जनरल क्वेश्चन जो अपने आईआईटी नीट से रिलेटेड है शरद बोले, क्योंकि लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैविंग द कॉमन इंटरेस्ट। हां, अब मैं रिपीटेड क्वेश्चंस देख रहा हूं, वही जिनके आंसर्स सर ऑलरेडी दे चुके हैं। कुछ एक दो क्वेश्चंस टेक्निकल इश्यूज आ रहे हैं बच्चों को कि वो मैंने पढ़ा, अभी मैंने पढ़ा, किसी ने बोला कि ब्लैंक स्क्रीन आ जाती है, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि कुछ लोगों की आती है बाकी लोगों की नहीं आती है। हम फिगर आउट कर रहे हैं कि ब्लैंक स्क्रीन क्यों आ जाती है आपके लेक्चर के दौरान। इसका कारण हार्डवेयर की प्रोसेसिंग स्पीड होती है प्राइमरली, जो हमने टेक्निकल टीम से पूछा, परंतु इस पर फिर भी हम काम कर रहे हैं और वो सेकेंड्स के लिए आती है, तो उसके लिए आप इमिजिएटली इसको बाहर आके वापस चालू कर देंगे तो सही हो जाएगी। उसमें फ्रेम पर सेकेंड्स होते हैं, उसको हम रिड्यूस कर रहे हैं और अगला जो रिलीज लेकर आएंगे नेक्स्ट वीक में, हम ऐप का नया रिलीज लेकर आ रहे हैं, उसमें ये आ जाएगा। एक प्रॉब्लम और मुझे आइडेंटिफाई थी, किसी ने पूछा नहीं पूछा मैं बता दूं, कुछ लोग बोलते हैं कि हमारा डेस्कटॉप पर नहीं चल पा रहा है। डेस्कटॉप पे सबका एप्लीकेशन चलता है, लाइव क्लास भी आती है विंडोज पर, उसको इंस्टॉलेशन का तरीका आपको नहीं आ पाता। उसके इंस्टॉलेशन कैसे करा जाए उसकी पूरी गाइडलाइन हमने cplive.in साइट पे डाली हुई है, वहां से उसका डाउनलोड करके इंस्टॉल करिए, आपका डेस्कटॉप पे एप्लीकेशन चल जाएगा और डेस्कटॉप पर आप वीडियो लेक्चर पढ़ पाएंगे। उसमें जिन लोगों ने गूगल साइनअप से अपना अकाउंट बना रखा है ऐप में, उन डेस्कटॉप पे चलाने के लिए उनको ऐप में जाकर एक बार अपना माई प्रोफाइल में डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए पासवर्ड क्रिएट करना पड़ेगा और फिर डेस्कटॉप एप्लीकेशन चल जाएगी। फिर भी कोई भी अगर आपको टेक्निकल उसमें इशू आ रहा है तो आप हमें ईमेल कर दीजिएगा support@cpl.in पर, हमारी जो टीम है वो आपको फोन करके आपको असिस्ट कर देगी और उसको डिप्लॉय करवा देगी। काफी लोगों का ऑलरेडी डेस्कटॉप पे चल चुका है, चलता है। क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं बच्चे कि क्या हमें तीनों सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम देना चाहिए या कोई प्रायोरिटी होती है? ये रिपीट है, एक्चुअली इसका जवाब मैं दे चुका हूँ, पूरे वीक में इक्वल टाइम आ जाना चाहिए। हालांकि कुछ सब्जेक्ट में आपको हमेशा कम टाइम देना होता है और कुछ में ज्यादा देना होता है, वो आपके सबके अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें मेरा सिंपल सा सजेशन है,
कि आप प्रायोरिटी बनाइए और प्रायोरिटी के हिसाब से पढ़िए। अगर आपका काम किसी किसी सब्जेक्ट को पढ़ने में आपका काम 2 घंटे में पूरा हो जाता है और किसी में 3 घंटे लगते हैं, तो जिसमें 2 घंटे लगेंगे उसे 2 घंटे देंगे, जिसमें 3 घंटे लगेंगे उसे 3 घंटे देंगे, बराबर कैसे करोगे? तो ये गलत एडवाइस होती है, एज पर नीड होती है और प्रायोरिटी के हिसाब से होती है। एक क्वेश्चन है कि हमें पहले डीपीपीएस करना चाहिए या पहले शीट के क्वेश्चंस करने चाहिए? पहले डीपीपीएस करना चाहिए या शीट के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस करने चाहिए? या तो आप शीट के एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन कर लीजिए फिर डीपीपी करिए, पर डीपीपी लेक्चर के बाद होता है इसलिए करना जरूरी है उसके लिए मोमेंटम के लिए। तो शीट की सेकंड थर्ड फोर्थ मत करिए, 1 के क्वेश्चन और डीपीपी। मेरी एडवाइस है डीपीपी करिए, डीपीपी रोजाना का रोजाना काम होता है तो उससे आपका थोड़ा मोमेंटम बना रहता है। यही रिपीटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं। ऑलराइट, तो थैंक यू वेरी मच। एनी अदर क्वेश्चन? एनीबॉडी हैज एनी अदर क्वेश्चन? एक नीट का टारगेट बैच कब से शुरू होगा सर? ये नीट का टारगेट बैच मई के अभी थर्ड वीक में शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चों ने रिक्वेस्ट करी है कि सर हमें एक बार हमें एग्जाम देना है, तो हमने उसको थर्ड वीक में शुरू कर रहे हैं उसको। कुछ बच्चे हैं जो ऑलरेडी एनरोल्ड हैं तो वो रिक्वेस्ट कर ले, उनको क्लास 12th के सिलेबस, क्लास 12th का लाइव का एक्सेस दे देंगे, तो आप वहां से पढ़ सकते हैं। और 23rd मई के आसपास से, मेरे को डेट याद नहीं है अभी, वहां से हम आपका बेच शुरू कर। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टूडे। ये चमत्कार ही है कि आप लोगों से यहाँ कोटा बैठे बैठे आप लोगों से बात कर पा रहा हूँ। मतलब आज से 27 साल पहले तो मैंने कभी इमेजिन नहीं करा था कि आई वुड बी एबल टू टेक दिस काइंड ऑफ क्लासेस रिमोटली व्हाइल सिटिंग एट माय होम एंड यू गाइस सिटिंग अक्रॉस इंडिया। सो इट्स अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड मुझे पूरा विश्वास है कि एक परिवार की तरह जैसे आप हमसे जुड़े हुए, हम आपके जितने भी सपने उनको साकार कोटा से बैठ के कर देंगे। आप हमारे हिसाब से मेहनत करते रहिए, दिल लगा के पढ़ते रहिए। आपका हमारा रिलेशन हो सकता है कि केवल एक असिस्टेंट टीचर का आप समझते हो, एक कमरे में हम न हो, एक जगह पर न हो, परंतु हमारा रिलेशन आपसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम आपके टीचर, आप हमारे स्टूडेंट हो और आपकी सक्सेस में हमारी बहुत उम्मीद है। हम चाहते हैं कि आप बहुत सफल हो, बहुत आगे बढ़े, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, हमारा नाम रोशन करें। अगर आपके एक क्वेश्चन और मैं रिपीटेडली देख रहा हूँ, हालांकि मैं उनका आंसर दे सकता हूँ, पर आपके मुंह से ही वो बच्चे मैं चाहता हूँ अश्योरेंस मिले। स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर इस तरह के सेशंस आगे भी रेगुलर होते रहेंगे क्या? बिल्कुल होते रहेंगे। आज तो 2 प्रॉब्लम आई थी आपको बता दूं। एक तो 11 बजे मेरा इंटरनेट कनेक्शन चला गया था, तो मुझे हाथों हाथ सर्विस प्रोवाइडर को फोन करना पड़ा, उससे बोलना पड़ा कि अभी मेरा 1.5 घंटे का सेशन है, तो किसी हालत में इंटरनेट डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए, वरना अभी पहले दिन ही अगर ये एक्सपीरियंस हो गया तो बच्चों ने तो मुझे उखाड़ के फेंक ही देना है, बाहर निकाल देना है कि यार आदमी तो टाइम खराब करता है। तो टेक्नोलॉजी में ये सेशन हम आपके लगातार करते रहेंगे। मुझे तो आई लव दिस काइंड ऑफ सेशन, आई लव इंटरेक्टिंग स्टूडेंट्स। मेरे तो दिल की इच्छा है कि मैं पूरे देश के बच्चों को इस तरीके से हेल्प करूं और उनको असिस्ट करूं, उनके सपनों को साकार करूं। और मतलब अगर मैं थोड़ा सा भी कंट्रीब्यूट कर पाया आपकी लाइफ में, आपकी लाइफ को एक जगह पे पहुंचाने में, मुझे तो लगता है कि मेरी जिंदगी सफल है। मतलब आई रियली थिंक दिस वे, तो मुझे तो बहुत मजा आता है। सेशन 100% ऐसे होंगे। आज का सेशन हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन था, उसके बाद हमारे पास सीक्वेंस ऑफ सेशन है। हम आपको टेस्ट पेपर कैसे अटेम्प्ट करें वो बताएंगे, सिली मिस्टेक्स कैसे करें वो बताएंगे, मोटिवेटेड कैसे रहे वो बताएंगे। हमें पता है कब आपका डिमोटिवेशन होगा, हमें आइडिया है कि अभी 3-4 वीक बाद आप हल्के से डिमोटिवेट होंगे, तो हम आपको मोटिवेशन का गियर अप करेंगे। एक्सपीरियंस हमारे पास, हम इस सेशन लगातार आपके साथ करते रहेंगे। टेक्नोलॉजी ग्लिचेस कभी कभी आ सकते हैं और कभी आ जाए आप माफ कर दीजिएगा, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है आउट ऑफ कंट्रोल होती है। और मैं आपको आज इसलिए अपनी जगह इसलिए बना रहा हूँ कि मान लो कभी इंटरनेट कनेक्शन ही उड़ जाए तो क्या करो। जैसे आज हो गया था 11 बजे, 11:30 बजे ऐसा हो गया था कि ये बोलने लग गया जूम कि 100 से ज्यादा पार्टिसिपेंट मैं अलाउ नहीं करूंगा, जबकि हम लाइसेंस वर्जन यूज करते हैं, पूरा सिक्योर करते हैं। हमारी टीम ने सिक्योरिटी सेटिंग ऐसी कर रखी थी कि 100 से ज्यादा उसमें सेटअप में अलाउ नहीं थे। फिर इमीडिएटली जब हल्ला मचा कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, तो फिर उसने हाथा उसको 1000 को अलाउ करा, तब जाकर आप सब लोग पार्टिसिपेट कर पाए। तो 5-1 मिनट शुरू में कियोस्क हो गया था, तनाव हो गया था, बट ये सब चलता रहेगा, घर की बात है। घर में तो ऐसे उलझने आती रहेंगी, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का यूजेस हमारी जिंदगी में बढ़ता जा रहा है, हम उसको अच्छी तरीके से बढ़ाते जाएंगे, एफिशिएंसी बढ़ाते जाएंगे, आउटपुट बढ़ाते जाएंगे और आपकी सक्सेस में कंट्रीब्यूट करते रहेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। जो पेरेंट्स भी आज जुड़े हमसे, आप सब लोगों को धन्यवाद। संडे को आपने टाइम निकाला, टीवी का टाइम बचाकर आपने हमें दिया, तो थैंक यू वेरी मच। आपके बच्चों की सफलता और आपके को बहुत बहुत शुभकामनाएं रहे, आगे बढ़ रहे हैं, आप तैयारी तरक्की करें। और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी तकलीफ है, प्लीज लेट अस नो। वी आर हियर इन कोटा टू सपोर्ट यू।
in your successful journey. And we believe that CP Life is going to make a very, very positive difference in your life and will take you to the destination. So thank you very much. We take your leave. Shailen, thank you very much for assisting me to conduct this webinar. You have actually moderated it fantabulously. It's amazing ki tumhara sahyog nahi hota to mere ko shayad ye sab kuch main handle nahi kar pata itne bachcho ke queries ko. So tumne bhi time nikala. So thank you very much. Aur thank you. Chale. Thank you. Thank you all. Kisi ko aap sab wave kar sakte hain mujhe. ताली बजा के मेरे को थोड़ा ताजुब मुझे भी लग सकता है यहाँ पे कि आप लोगों ने सबने एंजॉय करा. आप ताली बजाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा. दिखना चाहिए ताली को यूं करके. थैंक यू वेरी मच. चलिए ऑल द बेस्ट. एंजॉय.